नहीं सकता। This channel does not promote or promotion any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. हेलो फ्रेंड्स, तो थंबनेल से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम कौन से फिल्म के ऊपर बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें आज के इस वीडियो में हम जिस मूवी के रिगार्डिंग बात करेंगे उस फिल्म का नाम है रेनबो लास्ट ब्लड फिल्म। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी को फुल हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम बात करेंगे कि ये फिल्म आपको हिंदी डब में कहाँ पर देखने को मिलेगा, और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस मूवी ने 2019 में कितनी कमाई की थी। तो चलिए फ्रेंड्स, बगैर देरी के आज की मूवी रिव्यू को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं रेनबो लास्ट ब्लड फिल्म के बारे में। दोस्तों ये मूवी साल 2019 की अमेरिकी एक्शन फिल्म है। जहां फिल्म की पटकथा के बारे में हम बात कर ले तो पटकथा को मैथ्यू एंड सिरुलनी ने मिलकर लिखे हैं। सिल्वेस्टर स्टलोन द्वारा डैन गॉटन और इसके अलावा स्टलोन की कहानी से सह लिखा गया था फिल्म की कहानी को। और लेखक के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म की कहानी डेविड मुरेल सर ने लिखी है। डेविड मुरेल द्वारा उनके उपन्यास और इसके अलावा जो फर्स्ट ब्लड के लिए बनाए गए थे। फिल्म के चरित्र जॉन रेनबो पर आधारित है। रेनबो 2008 की अगली कड़ी ये रेनबो फ्रेंचाइजी में 5वीं किस्त कहा जा रहा है। और आपको बता दें स्टलोन को रेनबो के रूप में इस फिल्म के अंदर पाज वेक के और इसके अलावा सर्जियो पेरिस में जो है मेन चेता किए गए हैं, जहां पे एडियाना के साथ बराजा वेटेक के साथ जो है मोरियल इस फिल्म में थी। जहां पे जिमी किम उर्फ यानी कि येनहा हान के साथ जो है जोकिन और इसके अलावा जो है कोशियो और अस्कर के साथ जो है जिनाडा के साथ है। साथ बता दें दोस्तों, इस फिल्म के लिए रेनबो अपनी गोद ली हुई भतीजी को बचाने के लिए मेक्सिको की यात्रा करते हैं। इसे जो है मैक्सिकन के साथ कोटेन धारा अपहरण कर लिया गया है। और आपको बता दें वैसा क्रेत के लिए मजबूर किया जाता है उसकी भतीजी को। जहां 2008 के बाद से आपको बता दें पांचवी फिल्म की योजनाओं की घोषणा की गई, वहीं पे अलग अलग जो है और इस मूवीज की कहानी के साथ जो पुनर्वार्तियों को विकसित किए गए थे और सारी चीज़ों को रद्द कर दिया गया था। जहाँ पे अंत तक मई 2018 में फिल्म की घोषणा की गई, जिसमें जो है गुण नबर्न और उनके अलावा निर्देशन ने जुड़े थे। एक साथ दोस्तों बात कर ले इस मूवी की फिल्मोग्राफी के बारे में। तो दोस्तों फिल्म की फिल्मोग्राफी और फोटोग्राफी अक्टूबर 2018 में बुल्गारिया और स्पेन में शुरू हुई और दिसंबर 2018 में समाप्त भी हो गई थी। जहां 2019 में अतिरिक्त जो फोटोग्राफी के साथ ब्रायन टॉयलर के साथ फिल्म स्कोर करने के लिए लौट आए थे। रेनबो लॉस्ट ब्लड को नाटकीय रूप से 20 सितंबर 2019 को नकारात्मक समीक्षाओं के लिए रिलीज किया गया था। इसमें स्क्रिप्ट और इसके अलावा ग्राफिक हिस्सा और आपको बता दें मेक्सिको के प्रति जो है नस्लवादी और इसके अलावा जो है जोनोफोबिक के साथ दृष्टिकोण के आरोप के उद्देश्य से और इसके अलावा जो है आलोचना किए गए थे। हालांकि स्टलोन को मुख्य भूमिका में उनकी वापसी के लिए कुछ जो है प्रशंसाएं मिली। फिल्म ने 50 मिलियन के उत्पादन बजट और इसके अलावा 30 मिलियन की प्रिंट के अलावा और विज्ञापन जो है लागत के मुकाबले दुनिया भर में 91.5 मिलियन से अधिक की कमाई इस मूवीज ने किया। इसी के साथ बता दें दोस्तों, फरवरी 2008 में सिल्वेस्टर स्टलोन ने खुलासा किया था कि उन्होंने 5वीं फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन 4थी फिल्म की सफलता पर निर्भर करेंगे। यहाँ पे ये कहते हुए कि वह एक को तैयार कर रहे हैं और ये काफी अलग होगा कि मार्च 2008 में स्टलोन ने खुलासा किया था कि वह हर रेनबो वीक को आगे बढ़ाएंगे और रेनबो फिल्म को आधे जो है रास्ते में लिख रहे थे। ये कहते हुए कि ये एक और युद्ध फिल्म नहीं होगी, जहाँ पे बुल्गारिया को और इसके अलावा एरिजोना में रेनबो के घर के रूप में दो गुना माना जाएगा। इसी के साथ फरवरी 2009 में स्टलोन ने खुलासा किया था वह 5वीं फिल्म के साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा था संघर्ष ये है कि इसे अमेरिका में किया जाएगा या फिर किसी और देशों में इस मूवीज को शूट किया जाएगा।
अगस्त 2019 में, और इसके अलावा मिलेनियम के साथ फिल्म के साथ स्टलोन के लेखन और निर्देशक, और इसके अलावा जो अभिनय के साथ फिल्म को हरी झंडी दिखाई उस समय अमेरिका में, और इसके अलावा मेक्सिको के साथ जो है सीमा के पास आहत हुए थे, एक युवक के साथ जो है लड़की को छुड़ाने के लिए वहाँ पे मानव और इसके अलावा जो है तस्करों और ड्रग के माफियाओं से जुड़े थे, जूझ रहे थे रेम्बो पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जहाँ पे सितंबर 2009 में स्टलोन ने खुलासा किया कि फिल्म का शीर्षक जो है रेम्बो भी रखे जाएंगे, जहाँ पे सवेज हटा गया था, जहाँ पे इसके बजाय जो है ये जेम्स के साथ जो है बायरन, और इसके अलावा जो है हंगिस के उपन्यास पर हंटर पर आधारित होगा। इसके अलावा फिल्म की साजिश को रेम्बो पर ध्यान केंद्रित करने के लिए फिर से संकलित किया गया था, जो एक जो है अनुवंशिक रूप से, और इसके अलावा इंजीनियर ग्रामीणों को मारने, और आपको बता दें उनके लिए इस फिल्म की कहानी को लिखी गई थी, जहां पे कुलीन विशेष बल को मारने वाली टीम का नेतृत्व करता था। न्यूज इमेज के लिए फिल्म के बारे में कहते हुए, और इसके अलावा मिलेनियम फिल्म ने द सवेज हंट के लिए एक अवधारणा कला पोस्ट कर किया था, जहाँ पे आधिकारिक जो है सारांश जारी किए गए थे। हालांकि नवंबर 2009 तक जो है फिल्म की कथानक स्टलोन द्वारा लिखी जा चुकी थी। फिल्म की कहानी पर वापस आ गए थे, जहाँ पे जिसमें रैम्बो को एक अपहरण की गई लड़की को बचाने के लिए मेक्सिकन के साथ सीमा पर करना शामिल था। मई 2010 में स्टलोन ने खुलासा किया था कि वह चरित्र के साथ किया गया था, जहाँ पे जिसमें कहा गया था कि मुझे लगता है कि रैम्बो ने बहुत अच्छा काम किया है, मुझे नहीं लगता कि कोई और होगा, और मुझे लगभग जो है 99% यकीन है कि मैं इसे करने जा रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि रॉकी के साथ है बलबाव के साथ वह चरित्र पूर्ण चक्र में आ गए हैं, वह घर चले गए हैं जहाँ पे, लेकिन रेम्बो के लिए एक और जो है साहसिक कार्य पर जाने के लिए मुझे लगता है कि एक भड़े के साथ इशारे के रूप में गलत और इसके अलावा जो है व्याख्या की जा सकती है, और आवश्यकता नहीं है कि मुझे वह नहीं चाहिए, लेकिन उनके साथ होने वाली है यही चीज़। साल 2010 के कांस फिल्म समारोह में मिलेनियम फिल्म और इसके अलावा न्यू इमेज के साथ जो है हैंड आउट पोस्ट की गई थी। हैंड आउट पोस्टर कार्ड के साथ फिल्म का विज्ञापन किया गया, इसका शीर्षक अब रेम्बो भी रखे गए हैं के बावजूद रेम्बो ने कहा कि वह बनाए गए पोस्टर में शामिल नहीं थे, और स्टूडियो ने उन्हें बताया था कि अगर वह फिल्म नहीं बनाते हैं तो इसे पूरा करने के लिए किसी और को ढूंढेंगे। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि फ्रेंचाइजी समाप्त हो जाए, और उन्होंने इसी विचार के साथ सहज होने की बात की है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रेम्बो फिल्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं, रेम्बो लास्ट ब्लड फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी डब में देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। साल 2011 में सीन हुडू को रेम्बो लास्ट और इसके अलावा स्टैंड नामक एक नई स्क्रिप्ट लिखने के लिए काम पर रखा गया था, जिसे उन्होंने पहले रक्त मूवी के छोटे शहर के थ्रिलर के अनुरूप अधिक के रूप में वर्णित किया था। साल 2012 में हुड ने खुलासा किया था कि स्टलोन द्वारा द इस फिल्म के अलावा और एक से पेंडेबल टू को समाप्त करने के लिए रेम्बो वी को रोक दिया गया था। हुड ने अपनी अनिश्चितता का भी खुलासा किया था कि क्या फिल्म जो है और इसके अलावा अनफॉरगिवन या फिर जो है पोसिंग ऑफ द टॉर्च के समान होगी, जहां पे अगस्त 2013 में ये घोषणा की गई थी कि एंटरटेनमेंट वन और इसके अलावा न्यू इमेज के साथ जो स्टलोन के साथ एक रेम्बो टीवी श्रृंखला का विकास करेंगे और निर्माण करेंगे। जून 2014 में जर्मन फिल्म कंपनी और इसके अलावा स्प्लेंडिंग के साथ फिल्म ने पुष्टि की है कि स्टलोन ने रेम्बो बी के लिए पटकथा लिखना शुरू कर दिया था, जिसे उन्होंने ओल्ड मैन के लिए नो कंट्री के साथ जो है नो कंट्री के समान बताया। सितंबर 2014 में फिल्म को आधिकारिक तौर पर रेम्बो लास्ट ब्लड शीर्षक दिया गया था, जिसमें स्टलोन भी निर्देशक के रूप में काम कर रहे थे। साल 2015 में स्टलोन और रेम्बो के निर्माता लेखक डेविड मोरोल ने रेम्बो बी के लिए कहानी को फिर से लिखा। स्टलोन ने निर्माताओं को ये विचार दिया, लेकिन वह इसके बजाय मानव तस्करी की कहानी को आगे बढ़ाना चाहते थे, जिससे स्टलोन और उसके अलावा मेरेल की स्क्रिप्ट को छोड़ दिया गया। अब अक्टूबर 2015 में स्टलोन ने एक जो है पिग रवल और इसके अलावा प्रोजेक्ट में रुचि व्यक्त करते हुए कहा, ये उनके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा यानी कि जानना दिलचस्प है कि लोग कैसे बन गए हैं, क्या है यहाँ पर यानी कि, और इसके अलावा जो है वियतनाम में होगा और इसके अलावा आधा जो है नुकसान भी होगा, और आपको बता दें तरशादी हुई निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती होगी और एक युवा अभी
की नेता खिली और ये भी उनके साथ जो है बिंड बना रही होगी। रिम्बी युवा रिम्बो को निर्देशित जो है करना है कि इसे 20 साल से अधिक समय तक जो है निभाए गए। जनवरी 2016 तक स्टलोन ने कहा था कि रेम्बो बी के साथ उत्पादन में प्रवेश नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रेम्बो लास्ट फिल्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं, रेम्बो लास्ट ब्लड फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आई होप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स आपको पता है इस वीडियो में हम रेम्बो और द लास्ट ब्लड फिल्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसी के साथ बता दें दोस्तों साल 2015 में स्टलोन और रेम्बो के निर्माता लेखक डेविड मुरोल ने रेम्बो की वी के लिए कहानी को फिर से लिखा। स्टलोन ने निर्माताओं को ये विचार दिया लेकिन वह इसके बजाय मानव तस्करी की कहानी को आगे बढ़ाना चाहते थे। इससे स्टलोन और उसके अलावा मुरोल की स्क्रिप्ट को छोड़ दिया गया। अक्टूबर 2015 में स्टलोन ने एक जो है प्रीक्वल प्रोजेक्ट में रुचि व्यक्त करते हुए कहा, ये जानना दिलचस्प है कि लोग कैसे बन गए हैं क्या है। इसके अलावा वियतनाम में होने का आघात जो है नुकसान और इसके अलावा दर्शाती हुई निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती होगी एक युवा अभिनेता के लिए और ये जो है उनके अलावा बिन बना रही होगी कि रेम्बो युवा रेम्बो को निर्देशित करता है कि वो इसे 20 जो है साल से अधिक जो है समय तक निभाएंगे। जनवरी 2016 तक स्टलोन ने कहा कि रेम्बो बी उत्पादन में प्रवेश नहीं करेगा। मई 2018 में फिल्म को शुरू में रेम्बो बी के रूप में विकास के लिए फिर से घोषित किया गया था। इसे सितंबर के लिए निर्धारित किए गए प्रमुख फोटोग्राफी के साथ अपने परिवार के सदस्यों में से एक के साथ जो है अपहरण के बाद और इसके अलावा मैक्सिन के साथ ड्रॉ कॉटन का इसके अलावा मुकाबला किए गए थे। मुकाबला करने के लिए रेम्बो पर ध्यान केंद्रित करने की साजिश की पुष्टि की गई थी। स्टलोन ने फिल्म की रिलीज की तारीख की घोषणा की। इससे वह मैथ्यू के साथ जो है मिरु लर्निंग के साथ एक हॉल के साथ जो है लेखन भी करेंगे। उस समय उन्होंने निर्देशक के रूप में अतिरिक्त जो है रूप से काम करने में अनिश्चितता व्यक्त की थी। जहाँ अगस्त 2018 में एडियन के साथ जो है गुर्नर ब्रॉक को निर्देशक के लिए घोषणा किया गया था। सितंबर 2018 में एड्रियाना और इसके अलावा जो है बर्राजा को कलाकारों में जोड़ा गया। अक्टूबर 2018 में पाज वेगा के साथ जो है वेटेक के साथ और इसके अलावा मॉनरियल में भी सर्जियो के साथ पेरिस और इसके अलावा मेन चेटा के साथ अस्कर जोड़ा गया था और इसके अलावा जोकिन के साथ जो है कोशियो को कास्ट किया गया। 2019 में लुई के साथ जो है मेडिलो सिला के साथ सौ और इसके अलावा जो है दिमित्री के साथ वेगास और जिमी के साथ जिमी किर्म उर्फ यानी कि येना हान होने की भी किसी के साथ पूर्व घोषणा के कास्ट किए जाने का खुलासा किया गया था इस फिल्म के अंदर। अब दोस्तों इस मूवी की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 2 अक्टूबर 2018 को बुल्गारिया में शुरू हुई और ये पहले 1 सितंबर 2018 में और उससे पहले 27 अक्टूबर 2014 को इसी के साथ फिल्म को शूट किया गया था लुइसियाना के और इसके अलावा सेरो पोर्ट में शुरू होने वाला था। एक साथ बता दें फ्रेंड्स बैराज ने अपने दृश्यों को टेनरीफ कैनरी द्वीप समूह में फिल्माया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी 4 दिसंबर 2018 को पूरी हुई। अतिरिक्त फोटोग्राफी मई 2019 के अंत में पूरी कर ली गई थी। जी हाँ दोस्तों इसी के साथ दोस्तों मई 2018 में मिलेनियम फिल्म ने रुचि और बिक्री उत्पादन के साथ करने के लिए परियोजना को कांस में लाया था। कांस में लाया जहाँ पे स्टलोन ने पुष्टि किया है कि जैसे ही फिल्म रिलीज होने वाली है वह फिल्म के सेट से तस्वीरों और वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर साझा करेंगे। फरवरी 2019 में स्टलोन ने अपने इंस्टाग्राम पर रेम्बो के दत्तक परिवार के साथ युद्ध के इतिहास के साथ और चरित्र जो है गरीब बेला के अपने पिता को खोजने के लिए और मेक्सिको जाने के इरादे की छवियों का खुलासा किया। मार्च 2019 में स्टलोन ने अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से खून से लथपथ रेम्बो की एक छवि का खुलासा किया और अपने हस्ताक्षर जो है धनुष को निशाना बनाया था। मई 2019 में ये पता चला था कि स्टलोन 24 मई 2019 को पैलिस डेज के साथ जो फेस्टिवल एट डेज के साथ कांग्रेस में फिल्म की एक विशेष जो है फर्स्ट लुक स्क्रीन के साथ जो है कॉन्स में विशेष चित्र प्रस्तुत करेंगे। पहले ट्रेलर 24 मई 2019 को कांस में प्रदर्शित किया गया था और टीजर ट्रेलर 30 मई 2019 को जारी किया गया था और इसकी तुलना आपको बता दें लोगान और उसके अलावा जो है अनफॉरगिवेंस की गई थी जहां पे टीजर के लिए ओल्ड टाउन रोड के गाने के लिए रीमिक्स और इसके अलावा संस्करण का इस्तेमाल किया गया था। अगस्त 2019 को स्टलोन ने अपने इंस्टाग्राम पर नाटकीय रिलीज पोस्टर का खुलासा किया।
20 अगस्त 2019 को स्टेलोन ने अपने इंस्टाग्राम पर दूसरा ट्रेलर जारी किया, जहां 4 सितंबर 2019 को और इसके अलावा अलामो के साथ जो है ड्राफ्ट हाउस सिनेमा ने घोषणा किया था कि वह रैम्बो लास्ट ब्लड की रिलीज के उपलक्ष्य में सभी जो है 5 रैम्बो फिल्मों की और इसके अलावा जो है मैराथन की मेज़बान करेंगे। जहाँ पर डेडलाइन और इसके अलावा हॉलीवुड ने बताया था कि PNA के साथ जो है लगभग जो है 30 मिलियन से अधिक होगी। रेम्बो लास्ट ब्लड के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में 20 सितंबर 2019 को नाटकीय रूप से जारी किया गया था। दादी ने चीनी के साथ वितरण अधिकार खरीदे और 8 जो है अंकों के साथ और इसके अलावा वित्त पोषण सौदे के लिए सहमत हुए थे। 30 जुलाई 2019 को MPAA फिल्म को आर रेटिंग दी थी, जहां पे ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म जो है क्लासिफिकेशन ने फिल्म को 18 पर और इसके अलावा वर्गीकृत किया था। फिल्म को जापान में 26 जून 2020 को गागा के साथ जो है कॉरपोरेशन द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। आपको बता दें लाइसेंस गेट ने रैम्बो को 2 अलग अलग जो है नाटक कोड जारी करने के लिए लास्ट ब्लड देश के अनुसार जो है अलग अलग संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और इसके अलावा जो है कनाडा में फिल्म 89 मिनट चलती है, जहां पे ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है मेक्सिको के साथ और इसके अलावा स्वीडन जो है ब्राज़ील और इसके अलावा जो है फिनलैंड के साथ जर्मनी और जापान में ये मूवी 101 मिनट तक जो है यानी कि चलते हैं, जहाँ पर बाद वाले संस्करणों में कई जो हटाए गए दृश्य और एक जो है बैक क्लिपल के साथ उद्घाटन है जो कि लगभग 100 मिनट तक चलती है। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं रैम्बो लास्ट ब्लड के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों रिलीज होने के बाद 3 दिसंबर 2019 को डिजिटल पर रिलीज किया गया था और आपको बता दें लायंसगेट होम एंटरटेनमेंट द्वारा 17 दिसंबर 2019 को अल्ट्रा HD ब्लूरे के साथ ब्लूरे और इसके अलावा DVD पर रिलीज किया गया था। यहाँ पे बेस्ट बाय ने 4K UHD रिलीज के लिए एक रिटेल के साथ स्टील बुक जारी की थी। फिल्म के नई हफ्तों के आपको बता दें फिल्म ने कई हफ्तों तक जो है रेड बॉक्स के और इसके अलावा डिस्क जो है रिटर्न के साथ और ऑन जो है डिमांड चार्ट में सेट जो है स्थान हासिल किया था। रैम्बो लास्ट के साथ जो है ब्लड और इसके अलावा एक्सटेंडेड के साथ जो है कॉर्ड शीर्षक वाला अंतर्राष्ट्रीय संस्करण मई 2020 में अमेजन प्राइम वीडियो पर जारी किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में DVD ने 10 मिलियन कमाए और ब्लूरे ने काफ़ी अच्छे कमाई किए थे, 16.6 मिलियन कमाए थे। कुल मिलाकर घरेलू वीडियो बिक्री ने 26.6 मिलियन से अधिक की कमाई किया था। रैम्बो लास्ट ब्लड ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 44.8 मिलियन की कमाई की और अन्य क्षेत्रों में 46.7 मिलियन दुनिया भर में कमाई किए थे। कुल मिला के 91.5 मिलियन के लिए और इसके अलावा 50 मिलियन के उत्पादन के बजट मुकाबले फिल्म ने अच्छी कमाई कर लिया था। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में फिल्म को एक जो एक्स्ट्रा और इसके अलावा डाउटन एबे के साथ रिलीज किया गया था। इसके शुरुआती हफ्ता में 3,618 थिएटरों से फिल्म ने 23 से लेकर 25 मिलियन डॉलर की कमाई का अनुमान लगाया गया था। फिल्म ने शुक्रवार को 7.17 मिलियन डॉलर कमाई किए थे, जिसमें गुरुवार रात के और इसके अलावा पूर्वावलोकन के साथ जो है 1.3 मिलियन शामिल थे। इसने 19 मिलियन की शुरुआत की, तीसरे स्थान पर रही और श्रृंखला के दूसरे सर्वश्रेष्ठ उत्पादन को चिन्हित किया। फिल्म ने अपने दूसरे हफ्ता में 8.6 मिलियन डॉलर और तीसरे हफ्ते में 3.6 मिलियन डॉलर कमाए, जो क्रमश छठे और आठवें स्थान पर रहा था। आपको बता दें रोटन टमाटोज पर फिल्म को 173 समीक्षकों के आधार पर 27 की स्वीकृति रेटिंग दी गई है। इसकी औसत रेटिंग जो है 4.10 रखे गए थे। इसके अलावा आपको बता दें फिल्म की साइट की आलोचनात्मक जो है सहमित की गए थे। इससे पहले कि सीक्वेंस की तरह रैम्बो लास्ट ब्लड अपने मुख्य चरित्र की एक बार की मर्मित जो है कहानी की कीमत पर खूनी हिंसा में जो है लिफ्ट होने के साथ जो है सामग्री लाती है, जहां पे मेटा क्रिटिक के साथ जो एक भारित और इसके अलावा एक भारित औसत का उपयोग करते हैं। इसके अलावा ये काम सौंपा गया था कि फिल्म को 31 आलोचकों के आधार पर 100 में से 26 का स्कोर मिला, जो आम तौर पर जो है प्रतिकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। जहां पे आपको बता दें सिनेमा स्कोर धारा और इसके अलावा सर्वेक्षण किए गए जो है दर्शकों ने फिल्म को A+ से F के साथ जो है पैमाने पर B का औसत जो है ग्रेड दिया था, जबकि जो है पोस्ट स्टे के साथ धारा किए गए
सर्वेक्षण किए गए लोगों ने इसे 5 में से औसत की रेटिंग दी है, 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दिया है। जी हाँ दोस्तों, फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम रेनबो लास्ट ब्लड फिल्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं और मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को बता रहे हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। रेनबो के चरित्र के चित्रण को जांच के दायरे में रखा गया था। साथ ही साथ आपको बता दें, लॉस एंजेलिस के साथ टाइम्स के लिए लेखन और इसके अलावा केनेट के साथ हुए टुराने में फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए गए और रेनबो की कहानी की आश्चर्यजनक रूप से सोचने वाली जो है परीक्षा की गई थी, जहाँ पर प्रशंसा की गई थी। निश्चिंत रूप से रेनबो अस्वस्थ होते हैं जहाँ पे जब जो है बुरे लोगों को बताती है और इसके अलावा बुरे लोग जो है मैच जा रहे हो जहाँ पे आपको जो है वास्तव में बुरी तरह चोट जो है पहुँच सकते हैं आपको बता दें। लेकिन एक जो है प्रकार की और इसके अलावा नाजुकता भी रखी गई है जो कि हमें लोगों द्वारा उस पर चोट पहुँचाने के बारे में चिंतित करती है। आपको बता दें, पीटर डेब्रूस के साथ जो है वैरायटी के लिए एक नकारात्मक समीक्षा लिखी गई थी और ये चरित्र जो है विरोध भाषा की एक जो है गड़बड़ी की गए हैं इसका जो है प्रतिनिधित्व करते हैं और एक और जो है स्थायी क्षति जो कि सैम्स के साथ सेवा किसी के साथ जो आत्मा को कर सकती है। साथ ही साथ ये जो सुझाव दे रही है कि आदर्श सैनिक कैसे दिखते हैं और इसके अलावा IGN के लिए 100 में से 4.5 स्टार की रेटिंग दी गई थी। बिटनी के साथ जो है सिबॉल ने शोक व्यक्त किया कि एक चरित्र को जो मूल रूप से खड़ा होने के लिए था और एक सैनिक को जो युद्ध से होने वाली क्षति के प्रतीक के साथ काम में आते हैं, अब एक जो है अकुशल के साथ मानव और मशीन गन के रूप में सबसे अच्छी तरह से याद किए जाते हैं। लेकिन स्टलोन को प्रबंध के रूप में, पार्क के साथ जो है वरन के रूप में और इसके अलावा जो भावपूर्ण प्रदर्शन देने का श्रेय दिए जाते हैं। एस्टलोन और मैथ्यू के साथ भी शुरू लने की पटकथा को प्रतिकूल प्रतिक्रिया मिली जहाँ पे द हॉलीवुड रिपोर्टर के लिए एक जो है नकारात्मक समीक्षा में फ्रैंक के साथ स्केच ने कहा कि ये पूरी तरह से फेंका हुआ है और आपको बता दें सामान्य लगता है। एक रेनबो के साथ टेलीविजन श्रृंखला के लिए एक जो है उचित और इसके अलावा प्रेशन की तुलना में पाया गया था जैसा कि दिखता है आपको बता दें। लेकिन इस टुलोन को एक जो है फ्रेंचाइजी को बचाए रखने का श्रेय दिया जाता है। इसके अलावा शिकागो के साथ जो है ट्रिब्यून की केटी ब्लॉस के साथ जिन्होंने फिल्म को 4 में से 1 स्टार दिया और उन्होंने स्क्रिप्ट को बामुश्किल एक स्क्रिप्ट और इसके अलावा लेखन को और इसके अलावा आलसी कहा था। उन्होंने कहा कि फिल्म की कहानी लेखक के साथ जो है एस्टलोन और इसके अलावा डैन गटोन आपके साथ जानते हैं कि चार्ज इमेजरी पर जो है व्यापार करते हैं, वास्तव में ऐसे चरित्र लिखते हैं जो पूरी तरह से मानवीय और इसके अलावा नैतिकता के इस पेड को इफेक्ट करते हैं जहाँ पे बल्डी के साथ हुए डिस स्काउंट के साथ बिलियन और इसके अलावा पी बियानी ने कहा था कि फिल्म की स्क्रिप्ट जो है अपने सबसे काम और इसके अलावा जो है आम जो है भाजक तक जो है कर सकती है। पात्रों को जल्दी से स्थापित जो है करना है और फिर उन्हें एक सरल के साथ हुए कथानक में बदलना है अर्थात जो है रेनबो मान को धारा भी और इसके अलावा सरलीकृत किए गए फिल्म को 1.5 स्टार की रेटिंग दिया था और उन्होंने इंडी वायरल के लिए फिल्म को D+ के साथ जो है ग्रेडिंग करते हुए एरिक और इसके अलावा जो है कोहन ने कहा कि एस्टलोन एक सह लेखक के रूप में रेनबो के लिए सहानुभूति पैदा करने में एक अच्छा काम करते हैं लेकिन लॉस्ट ब्लड के साथ ये साबित करने के लिए और इसके अलावा ओवरबोर्ड हो जाते हैं जहाँ पर उसने एक बेहतर जो इंसान बनने की कोशिश की है जबकि कई लोगों ने टेकन के लास्ट ब्लड के साथ जो है डेरिवेटा का प्लॉट कहा था जहाँ पे वेब आधारित के साथ आलोचक जो है जेम्स और इसके अलावा ब्रैड टी नेली ने इसे फर्स्ट ब्लॉट टेक में जो है और इसके अलावा जो है बिल्डिंग के लिए कुछ जो है कॉल बैक के साथ एक डेट के साथ और इसके अलावा बीच जो है संस्करण कहा था। जी हाँ फ्रेंड्स, इसी के साथ बता दें दोस्तों, आलोचकों ने एक्शन देशों की और इसके अलावा कोटा से भयभीत होने की सूचना दी। कुछ ने इसकी मात्रा की तुलना किए और एक जो है इस लेशर के साथ फिल्म के साथ की और इसके अलावा आपको बता दें विराट डी नेली ने कहा था कि शरीर की संख्या बहुत अधिक है और मृत्यु के तरीके और इसके अलावा हेलोवीन या फिर जो है फ्राइडेड ने द 13वें सीक्वेंस के योग्य हैं और फिल्म को 4 में से 1 स्टार दिया जहाँ पे ड्रीब्यूज ने इस मूवी की हिंसा को और इसके अलावा भयानक जो है और भयानक बतलाया था जहाँ पे नर्स हार कहा गया और फिर भी इसे जो है प्रशंसकों से उत्साह किया गया था जहाँ पे जयकार प्राप्त करने के लिए कैलिब्रेट किए गए हैं जिन्होंने
रिम्बो के विकास के साथ जो है ईमानदारी से प्लान किया है, जहाँ पे आपको बता दें ऑप्रोक्स के विंस और इसके अलावा मेन सिग्नी ने कहा, यह वास्तव में इतना भयानक है जहाँ पे मुझे जो है विश्वास है कि वास्तविक जीवन के कार्टेल के साथ वीडियो प्रतिबंधित किए गए हैं और यातना का जो है जश्न मना रहे होते हैं, जो आपको बता दें कम खूनी है, लेकिन फिल्म को अवश्य जो है देखने की सिफारिश की। इसके विपरीत न्यूयॉर्क के सांझे पोस्ट के जॉनी के सांझे ओलेक्सिन ने कहा, रिम्बो लास्ट ब्लड में वर्ष का सबसे हिंसक जो है फिल्म दृश्य और इसके अलावा आसानी से दिखाया गया है, यह बहुत बढ़िया है। लेकिन आपको बता दें लाग के कथन के साथ नाटक और इसके अलावा हैकनेट के साथ जो बैकेज स्टोर को संपादित किया जा सकता था। डेन ऑफ गीक ने और इसके अलावा जो है डंकन और बाउलेंस ने इसे 5/3 स्टार दिए, ये लिखते हुए कि यदि आप उस तरह के व्यक्तित्व नहीं है जो रैम्बो को टूलिंग के साथ ऑब्जेक्ट धनुष और इसके अलावा फायरिंग के साथ जो है बॉबी टैग को देखकर खुशी से रोना चाहते हैं तो फिल्म वास्तव में आपके लिए नहीं है। लेकिन यदि आप अपने जो है पसंदीदा चरित्र के नरसंहार के ठोस जो है प्रदर्शन के बाद देखना चाहते हैं तो प्रस्ताव पर बहुत कुछ रखी गई है। और आपको बता दें कई लोगों ने लास्ट ब्लड के चरमोत्कर्ष को होम के साथ और लोन के और इसके अलावा जो है समान ही देखा, जो इसके विपरीत पीजी का दर्जा दिया गया था। एक अपराध के चित्रण ने और इसके अलावा मोक्षिकों को जो है प्रभावित किया और इसके अलावा अधिकांश जो है मेक्सिकन और इसके अलावा लैटिनो के अपराधियों के रूप में रूढ़िवादी चित्रण ने आलोचकों को और इसके अलावा नस्लवाद और आपको बदला दे जेनोफोबिया और आपको बदला ट्रंप के साथ जो है प्रेसिडेंस के साथ समर्थन को गुहार लगाए थे, आपको बता दें गुमराह करने का आरोप लगाने के लिए प्रेरित किया। द गार्डियन के पीटर और इसके अलावा ब्रेन शॉ ने लास्ट ब्लड को एक फिल्म का बड़े पैमाने पर बड़े हुए पोस्टर के साथ कहा है जो कि आपको केवल बुरी तरह से अभिनय की गई है, जहां पे गैरंटो के साथ जो है अल्ट्रा हिंसा के साथ मैक्सिकन और इसके अलावा बलात्कारियों की और इसके अलावा जो है आपको बता दें ट्रम्पियन और कल्पनाओं के साथ जो है उल्सित किए गए थे। और आपको बता दें असुरक्षित किए गए अमेरिकी सीमा के साथ जो है बलात्कार के लिए इसके क्रूर उत्साह के साथ जो है आपको विचलित कर सकते हैं, जहाँ पे रिवेंज के साथ अटैक्स इसे 5/1 स्टार दिया गया था। जहाँ पे सिबार्ड ने लिखा था कि आपको बता दें मैं समझता हूँ कि रेम्बो फिल्म शायद ही कभी जो है संस्कृत के साथ जो एक जूटा का गढ़ रही है, लेकिन 2019 में ये व्यापक जो है रूढ़िवादिता के साथ जो है आक्रामक और इसके अलावा दिनांकित किए गए सर्वश्रेष्ठ के साथ जिम्मेदार है। कोहेन ने लिखा है 2019 के अति जो है संवेदनशील संस्कृति के साथ जो है वातावरण में हत्यारे का चित्रण किए गए, जहाँ पे मैक्सिकन के साथ अपराध के साथ मालिकों और इसके अलावा उनके डरपोक यौन दासों का एक जो है शब्दी और इसके अलावा जो है सफ़ेद उद्धरण किए गए थे, जहाँ पे उनका सामना करना इतना ही आसान नहीं है, जहाँ पे मैक्सिकन फिल्म जो समीक्षक जो है गिलार्ड ने किया था। एक साथ बता दें दोस्तों रोजर एबॉट .com के दूसरे जो है दराज ने कहा और आपको बता दें संवाददाता के साथ जो है मैक्सिकन फिल्म जो समीक्षकों के साथ गिलार्डो के साथ और इसके अलावा वेलोरो ने भी इस मूवी के लिए मेक्सिको के लिए स्पेन के और इसके अलावा दोगुने होने का उपयोग की, जहाँ पे आलोचना किए गए थे और ये कि इस समूह पर जो है हंसना और इसके अलावा असंभव था। लेकिन इस ने जो है अभिनेता इस अजीब जो है लहजे में हर दूसरे शब्द के साथ जो है कोसते हुए और इसके अलावा मेक्सिकन को आवाज़ देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर ये फिल्म इतनी ही यानी कि गूंगी नहीं होती है तो शायद मुझे ये सब जो है यानी कि आपत्तिजनक जो है लगते हैं। इसके बारे में शिकायत को उन्होंने संबोधित करते हुए रूढ़िवादी के साथ खलनायक के साथ, हालांकि आपको बतला दे बाउंस ने लिखा है कि खलनायक पिछले वर्षों से शुद्ध और इसके अलावा बुराई के रूढ़िवादी जो है तनाव से निर्मित हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो है निंदनीयता के साथ जो है विस्फोट किए गए वापसी का काम करती है और हिंसा के साथ कुछ जो है विशेष रूप से गंभीर क्षणों के बावजूद जो है कभी भी पूरी तरह से काम नहीं करता है। इसी के साथ बता दें फ्रेंड्स एक रूढ़िवादी खलनायक, हालांकि बाउल्स ने लिखा है खलनायक पिछले वर्षों से शुद्ध बुराई के रूढ़िवादी तनाव से निर्मित हो सकते हैं, लेकिन उनकी निंदनायक के साथ जो विस्फोट किए गए वापसी का काम करती है और हिंसा कुछ भी विशेष रूप से गंभीर क्षणों के बावजूद कभी भी पूरी तरह से नहीं भटकनी चाहिए। आईबीसी और इसके अलावा
अत्यधिक पेट का भी मातना किया गया था। रिम्बो चरित्र के निर्माता और फर्स्ट ब्लड के साथ उपन्यास के लेखक जो डेविड मुरोल ने इस फिल्म के बारे में काफ़ी अच्छी बात कही। चलिए दोस्तों जानते हैं उन्होंने क्या किया। उन्होंने ट्वीट किया था कि वह लास्ट ब्लड को नापसंद करते हैं, इसे एक जो है गड़बड़ कहते हैं और मेरे नाम को इसके साथ जो है जोड़ने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। और इसके अलावा मुरोल ने बाद में जो है न्यूज वीक को भी बताया था ये बात। थिएटर छोड़ने के बाद मुझे जो अपमानित होना पड़ा और आपको बता दें अमान्य के साथ महसूस हुआ था, जहां पे भावपूर्ण होने के बजाय इस नई फिल्म में एक की कमी है। मैंने महसूस किया कि मैंने इसे देखने के लिए एक इंसान से कम था। और आज ये एक जो है दुर्भाग्यपूर्ण संदेश है कि आपको बता दें 1970 के दशक की अति हिंसक वाले और इसके अलावा शोषण जो है ग्राइंड हाउस के साथ फिल्मों की विशेषता है, जहाँ पर जिसकी टेक्निकी रेम्बो लास्ट ब्लड जैसा दिखता है। यहाँ सेट जो है सस्ते लगते हैं, यहाँ पर दिशा अजीब है, लेकिन रेम्बो को जॉन के साथ जो है इस मिति कहा जा सकता है और फिल्म नहीं बदलेगी। ये मानते हैं कि दर्शक जो है रेम्बो की और पृष्ठभूमि से परिचित है, जबकि 40 से कम उम्र के किसी भी यानी कि व्यक्ति को आश्चर्य होगा कि उन सुरंगों के साथ जो पृथ्वी पर क्या चल रहा है। यहाँ पे द एस्केपिस्ट के डरेन ने मुनी ने लिखा है कि रेम्बो ने अपने परिवार के खेत के नीचे जो है विस्तृत और इसके अलावा सुरंगों का निर्माण करने के बयान का और इसके अलावा जो है कांग्रेस की पद्धति को अपनाया है। जहाँ पे इस ग्रीन रैंड के जग में साझो आपको बतला दें बोजनार ने कहा रेम्बो की सुरंगे सीयू की तुलना में बहुत जो है बड़ी है और आपको बतला दें अधिक जो है स्वस्थता वाली है, जहाँ पे ची के साथ लेकिन इसके अलावा जो है इमेजरी और इसका तुलनीय होगा। ये कहते हुए कि वह जहाँ अपने रक्षकों को रखते हैं वहाँ पे अपनी जो है नकारात्मक ऊर्जा को भी प्रसारित करते हैं और जहाँ वह अपने अतीत को करीब रखते हैं, लेकिन निहित है कि फिल्म के अंतिम कार्य के लिए आपको बतला दें बेजान के साथ कहा गया था और उनके जो है PTSD के साथ टनल उनके बदला लेने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लिखते हुए उसी जो है गुलिरला के साथ जो है रणनीति का उपयोग करते हुए जो कि आपको बता दें 50 साल पहले उन पर और उनके दोस्त पर इस्तेमाल होने की संभावना थी। रेम्बो अपने जो है सुरंगों से एक जो है वियतनामी लड़ाकू के साथ जो है पंपिंग की तरह जो है निकलते हैं, एक जो है मगडी के छेद से बाहर निकलते हैं, कई जो है लक्षणों को गोली मारते हैं और फिर जो है भूमिगत गायब हो जाते हैं और इससे पहले कि वह जानते हैं कि उन्होंने क्या किया था। जी हाँ फ्रेंड्स, बता दें दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं रेम्बो लास्ट ब्लड फिल्म के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस मूवी को फुल हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं, मूवी से जुड़े काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। किया था जहाँ पे आधिकारिक जो है सारांश जारी किए गए थे। हालांकि नवंबर 2009 तक जो है फिल्म की कथानक स्टोन द्वारा लिखी जा चुकी थी। फिल्म की कहानी पर वापस आ गए थे जहाँ पे जिसमें रेम्बो को एक अपहरण की गई लड़की को बचाने के लिए मैक्सिन के साथ सीमा पर करना शामिल था। मई 2010 में स्टलोन ने खुलासा किया था कि वह चरित्र के साथ किया गया था, जहाँ पे जिसमें कहा गया था कि मुझे लगता है कि रेम्बो ने बहुत अच्छा काम किया है, मुझे नहीं लगता कि कोई और होगा और मुझे लगभग जो है 99% यकीन है कि मैं इसे करने जा रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि रॉकी के साथ जो है बलबाओ के साथ वह चरित्र पूर्ण चक्र में आ गए हैं, वह घर चले गए हैं जहां पे। लेकिन रेम्बो के लिए एक और जो है साहसिक कार्य पर जाने के लिए मुझे लगता है कि एक भड़े के साथ इशारे के रूप में गलत और इसके अलावा जो है व्याख्या की जा सकती है और आवश्यकता नहीं है कि मुझे वह नहीं चाहिए लेकिन उनके साथ होने वाली है यही चीज। साल 2010 के कांस फिल्म समारोह में मिलेनियम फिल्म और इसके अलावा न्यू इमेज के साथ जो है हैंड आउट पोस्ट की गई थी। हैंड आउट पोस्टर कार्ड के साथ फिल्म का विज्ञापन किया गया, इसका शीर्षक अब रेम्बो भी रखे गए हैं के बावजूद रेम्बो ने कहा कि वह बनाए गए पोस्टर में शामिल नहीं थे और स्टूडियो ने उन्हें बताया था कि अगर वह फिल्म नहीं बनाते हैं तो इसे पूरा करने के लिए किसी और को ढूंढेंगे। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि फ्रेंचाइजी समाप्त हो जाए और उन्होंने इसी विचार के साथ सहज होने की बात की है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रेम्बो फिल्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं। रेम्बो
लास्ट ब्लड फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी डब में देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। साल 2011 में सीन हुडू को रैम्बो लास्ट और इसके अलावा स्टैंड नामक एक नई स्क्रिप्ट लिखने के लिए काम पर रखा गया था, जिसे उन्होंने पहले रक्त मूवी के छोटे शहर के थ्रिलर के अनुरूप अधिक के रूप में वर्णित किया था। साल 2012 में हुड ने खुलासा किया था कि स्टलोन धारा द इस फिल्म के अलावा और एक से पेंडेबल 2 को समाप्त करने के लिए रेम्बो वी को रोक दिया गया था। हुड ने अपनी अनिश्चितता का भी खुलासा किया था कि क्या फिल्म जो है और इसके अलावा अनफॉरगिवन या फिर जो है पोसिंग ऑफ द टॉर्च के समान होगी, जहां पे अगस्त 2013 में ये घोषणा की गई थी कि एंटरटेनमेंट वन और इसके अलावा न्यू इमेज के साथ जो स्टलोन के साथ एक रेम्बो टीवी श्रृंखला का विकास करेंगे और निर्माण करेंगे। जून 2014 में जर्मन फिल्म कंपनी और इसके अलावा स्प्लेंडिंग के साथ फिल्म ने पुष्टि की है कि स्टलोन ने रेम्बो बी के लिए पटकथा लिखना शुरू कर दिया था, जिसे उन्होंने ओल्ड मैन के लिए नो कंट्री के साथ जो है नो कंट्री के समान बताया। सितंबर 2014 में फिल्म को आधिकारिक तौर पर रेम्बो लास्ट ब्लड शीर्षक दिया गया था, जिसमें स्टलोन भी निर्देशक के रूप में काम कर रहे थे। साल 2015 में स्टलोन और रेम्बो के निर्माता लेखक डेविड मोरोल ने रेम्बो बी के लिए कहानी को फिर से लिखा। स्टलोन ने निर्माताओं को ये विचार दिया लेकिन वह इसके बजाय मानव तस्करी की कहानी को आगे बढ़ाना चाहते थे, जिससे स्टलोन और उसके अलावा मेरेल की स्क्रिप्ट को छोड़ दिया गया। अब अक्टूबर 2015 में स्टलोन ने एक जो है पिग रोल और इसके अलावा प्रोजेक्ट में रुचि व्यक्त करते हुए कहा, ये उनके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा यानी कि जानना दिलचस्प है कि लोग कैसे बन गए हैं, क्या है यहाँ पे यानी कि, और इसके अलावा जो है वियतनाम में होगा और इसके अलावा आधा जो है नुकसान भी होगा। और आपको बता दें तरशादी हुई निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती होगी और एक युवा अभिनेता के लिए, और ये भी उनके साथ जो है बिंड बना रही होगी। रेम्बी युवा रेम्बो को निर्देशित जो है करना है कि इसे 20 साल से अधिक समय तक जो है निभाए गए। जनवरी 2016 तक स्टलोन ने कहा था कि रेम्बो बी के साथ उत्पादन में प्रवेश नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रेम्बो लास्ट फिल्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं, रेम्बो लास्ट ब्लड फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आई होप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स आपको पता है इस वीडियो में हम रेम्बो और द लास्ट ब्लड फिल्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसी के साथ बता दें दोस्तों साल 2015 में स्टलोन और रेम्बो के निर्माता लेखक डेविड मोरोल ने रेम्बो की वी के लिए कहानी को फिर से लिखा। स्टलोन ने निर्माताओं को ये विचार दिया लेकिन वह इसके बजाय मानव तस्करी की कहानी को आगे बढ़ाना चाहते थे, इससे स्टलोन और उसके अलावा मोरोल की स्क्रिप्ट को छोड़ दिया गया। अक्टूबर 2015 में स्टलोन ने एक जो है प्रीक्वल प्रोजेक्ट में रुचि व्यक्त करते हुए कहा, ये जानना दिलचस्प है कि लोग कैसे बन गए हैं, क्या है इसके अलावा वियतनाम में होने का आघात जो है नुकसान और इसके अलावा तरसाती हुई निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती होगी एक युवा अभिनेता के लिए, और ये जो है उनके अलावा बिन बना रही होगी कि रेम्बो युवा रेम्बो को निर्देशित करता है कि वह इसे कि वो इसे 20 जो है साल से अधिक जो है समय तक निभाएंगे। जनवरी 2016 तक स्टलोन ने कहा कि रेम्बो बी उत्पादन में प्रवेश नहीं करेगा। मई 2018 में फिल्म को शुरू में रेम्बो बी के रूप में विकास के लिए फिर से घोषित किया गया था। इसे सितंबर के लिए निर्धारित किए गए प्रमुख फोटोग्राफी के साथ अपने परिवार के सदस्यों में से एक के साथ जो है अपहरण के बाद और इसके अलावा मैक्सिन के साथ ड्रॉग कॉटन का इसके अलावा मुकाबला किए गए थे। मुकाबला करने के लिए रेम्बो पर ध्यान केंद्रित करने की साजिश की पुष्टि की गई थी। स्टलोन ने फिल्म के रिलीज की तारीख की घोषणा की, इससे वह मैथ्यू के साथ जो है मिरू लर्निंग के साथ एक हॉल के साथ जो है लेखन भी करेंगे। उस समय उन्होंने निर्देशक के रूप में अतिरिक्त जो है रूप से काम करने में अनिश्चितता व्यक्त की थी, जहां अगस्त 2018 में एडियन के साथ जो है गुना ब्रॉक को निर्देशक के लिए घोषणा किया गया था। सितंबर 2018 में एड्रियाना और इसके अलावा जो है बर्राजा को कलाकारों में जोड़ा गया। अक्टूबर 2018 में पाज वेगा के साथ जो है वेटेक के साथ और इसके अलावा मॉन्ट्रियल में भी सर्जियो के साथ पेरिस और इसके अलावा मैनचेटा के साथ अस्कर जोड़ा गया था और इसके अलावा जोकिन के साथ जो है कोशियो को कास्ट किया गया। 2019 में लुई के साथ जो है मेडिलो सिला के साथ सौ और इसके अलावा जो है दिमित्री के साथ वेगास और जिमी के साथ जिमी किम उर्फ यानी कि येना हान
होने की भी किसी के साथ पूर्व घोषणा के कास्ट किए जाने का खुलासा किया गया था इस फिल्म के अंदर। अब दोस्तों, इस मूवी की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 2 अक्टूबर 2018 को बुल्गारिया में शुरू हुई और ये पहले 1 सितंबर 2018 में और उससे पहले 27 अक्टूबर 2014 को इसी के साथ फिल्म को शूट किया गया था लुइसियाना के, और इसके अलावा सेरो पोर्ट में शुरू होने वाला था। एक साथ बता दें फ्रेंड्स, बैराज ने अपने देशों को टेनरीफ, कैनरी द्वीप समूह में फिल्माया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी 4 दिसंबर 2018 को पूरी हुई। अतिरिक्त फोटोग्राफी मई 2019 के अंत में पूरी कर ली गई थी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों मई 2018 में मिलेनियम फिल्म ने रुचि और बिक्री उत्पादन के साथ करने के लिए परियोजना को कांस में लाया था। कांस में लाया जहाँ पे स्टलोन ने पुष्टि किया है कि जैसे ही फिल्म रिलीज होने वाली है वह फिल्म के सेट से तस्वीरों और वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर साझा करेंगे। फरवरी 2019 में स्टलोन ने अपने इंस्टाग्राम पर रेम्बो के दत्तक परिवार के साथ युद्ध के इतिहास के साथ और चरित्र जो है गरीब बेला के अपने पिता को खोजने के लिए और मेक्सिको जाने के इरादे की छवियों का खुलासा किया। मार्च 2019 में स्टलोन ने अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से खून से लथपथ रेम्बो की एक छवि का खुलासा किया और अपने हस्ताक्षर जो है धनुष को निशाना बनाया था। मई 2019 में ये पता चला था कि स्टलोन 24 मई 2019 को पैलिस डेस्क के साथ जो फेस्टिवल एट डेस्क के साथ कांग्रेस में फिल्म की एक विशेष जो है फर्स्ट लुक स्क्रीन के साथ जो है कॉन्स में विशेष चित्र प्रस्तुत करेंगे। पहले ट्रेलर 24 मई 2019 को कांस में प्रदर्शित किया गया था और टीजर ट्रेलर 30 मई 2019 को जारी किया गया था। और इसकी तुलना आपको बता दें लोगान और उसके अलावा जो है अनफॉरगिवेंस की गई थी, जहां पे टीजर के लिए ओल्ड टाउन रोड के गाने के लिए रीमिक्स और इसके अलावा संस्करण का इस्तेमाल किया गया था। अगस्त 2019 को स्टलोन ने अपने इंस्टाग्राम पर नाटकीय रिलीज पोस्टर का खुलासा किया। 20 अगस्त 2019 को स्टलोन ने अपने इंस्टाग्राम पर दूसरा ट्रेलर जारी किया, जहां 4 सितंबर 2019 को और इसके अलावा अलामो के साथ जो है ड्राफ्ट हाउस सिनेमा ने घोषणा किया था कि वह रैम्बो लास्ट ब्लड की रिलीज के उपलक्ष्य में सभी जो है 5 रैम्बो फिल्मों की और इसके अलावा जो है मैराथन की मेज़बान करेंगे। जहाँ पे डेडलाइन और इसके अलावा हॉलीवुड ने बताया था कि PNA के साथ जो है लगभग जो है 30 मिलियन से अधिक होगी। रेम्बो लास्ट ब्लड के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में 20 सितंबर 2019 को नाटकीय रूप से जारी किया गया था। दादी ने चीनी के साथ वेतन अधिकार खरीदे और 8 जो है अंकों के सौ और इसके अलावा वित्त पोषण सौदे के लिए सहमत हुए थे। 30 जुलाई 2019 को MPAA ने फिल्म को आर रेटिंग दी थी, जहां पे ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म जो है क्लासिफिकेशन ने फिल्म को 18 पर और इसके अलावा वर्गीकृत किया था। फिल्म को जापान में 26 जून 2020 को गागा के साथ जो कॉरपोरेशन द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। आपको बता दें लाइसेंस गेट ने रेम्बो को 2 अलग अलग जो है नाट्य कोड जारी करने के लिए लास्ट ब्लड देश के अनुसार जो है अलग अलग संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और इसके अलावा जो है कनाडा में फिल्म 89 मिनट चलती है, जहां पे ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है मेक्सिको के साथ और इसके अलावा स्वीडन जो है ब्राजील और इसके अलावा जो है फिनलैंड के साथ जर्मनी और जापान में ये मूवी 101 मिनट तक जो है यानी कि चलते हैं, जहां पे बाद वाले संस्करणों में कई जो हटाए गए दृश्य और एक जो है बैक लिपल के साथ उद्घाटन है जो कि लगभग 100 मिनट तक चलती है। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं रेम्बो लास्ट ब्लड के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों रिलीज होने के बाद 3 दिसंबर 2019 को डिजिटल पर रिलीज किया गया था और आपको बता दें लायंसगेट होम एंटरटेनमेंट द्वारा 17 दिसंबर 2019 को अल्ट्रा HD ब्लूरे के साथ ब्लूरे और इसके अलावा DVD पर रिलीज किया गया था। यहां पे बेस्ट बाय ने 4K UHD रिलीज के लिए एक रिटेल के साथ स्टील बुक जारी की थी। फिल्म के नई हफ्तों के आपको बता दें फिल्म ने कई हफ्तों तक जो है रेड बॉक्स के और इसके अलावा डिस्क जो है रिटर्न के साथ और ऑन जो है डिमांड चार्ट में सेट जो है स्थान हासिल किया था। रेम्बो लास्ट के साथ जो है ब्लड और इसके अलावा एक्सटेंडेड के साथ जो है कॉर्ड शीर्षक वाला अंतरराष्ट्रीय संस्करण मई 2020 में अमेज़न प्राइम वीडियो पर जारी किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में DVD ने 10 मिलियन कमाए और ब्लूरे ने
काफ़ी अच्छे कमाई किए थे, 16.6 मिलियन कमाए थे। कुल मिलाकर घरेलू वीडियो बिक्री ने 26.6 मिलियन से अधिक की कमाई किया था। रेनबो लास्ट ब्लड ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 44.8 मिलियन की कमाई की और अन्य क्षेत्रों में 46.7 मिलियन दुनिया भर में कमाई किए थे। कुल मिला के 91.5 मिलियन के लिए और इसके अलावा 50 मिलियन के उत्पादन के बजट मुकाबले फिल्म ने अच्छी कमाई कर लिया था। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में फिल्म को एग्जुआ एक्स्ट्रा और इसके अलावा डाउटन एबे के साथ रिलीज किया गया था। इसके शुरुआती हफ्ता में 3,618 थिएटरों से फिल्म ने 23 से लेकर 25 मिलियन डॉलर की कमाई का अनुमान लगाया गया था। फिल्म ने शुक्रवार को 7.17 मिलियन डॉलर कमाई किए थे, जिसमें गुरुवार रात के और इसके अलावा पूर्वावलोकन के साथ जो है 1.3 मिलियन शामिल थे। इसने 19 मिलियन की शुरुआत की, तीसरे स्थान पर रही और श्रृंखला के दूसरे सर्वश्रेष्ठ उत्पादन को चिन्हित किया। फिल्म ने अपने दूसरे हफ्ता में 8.6 मिलियन डॉलर और तीसरे हफ्ते में 3.6 मिलियन डॉलर कमाए, जो क्रमशः छठे और आठवें स्थान पर रहा था। आपको बता दें, रोटन टोमेटोज पर फिल्म को 173 समीक्षकों के आधार पर 27 की सिविक रेटिंग दी गई है। इसकी औसत रेटिंग जो है 4.10 रखे गए थे। इसके अलावा आपको बता दें, फिल्म की साइट की आलोचनात्मक जो है सहमित की गए थे। इससे पहले कि सीक्वेंस की तरह रेनबो लास्ट ब्लड अपने मुख्य चरित्र की एक बार की मरमीज जो है कहानी की कीमत पर खूनी हिंसा में जो है लिफ्ट होने के साथ जो है सामग्री लाती है, जहां पे मेटा क्रिटिक के साथ जो एक भारित और इसके अलावा एक भारित औसत का उपयोग करते हैं। इसके अलावा ये काम सौंपा गया था कि फिल्म को 31 आलोचकों के आधार पर 100 में से 26 का स्कोर मिला, जो आम तौर पर जो है प्रतिकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। जहां पे आपको बता दें, सिनेमा स्कोर धारा और इसके अलावा सर्वेक्षण किए गए जो है दर्शकों ने फिल्म को A+ से F के साथ जो है पैमाने पर B का औसत जो है ग्रेड दिया था, जबकि जो है पोस्ट स्टेक के साथ धारा किए गए सर्वेक्षण किए गए लोगों ने इसे 5 में से औसत की रेटिंग दी है, 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दिया है। जी हाँ दोस्तों, फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रेनबो लास्ट ब्लड फिल्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं और मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को बता रहे हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। रेनबो के चरित्र के चित्रण को जाँच के दायरे में रखा गया था। साथ ही साथ आपको बता दें, लॉस एंजलिस के साथ टाइम्स के लिए लेखन और इसके अलावा केनेट के साथ जो है टुराने में फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए गए और रेनबो की कहानी की आश्चर्यजनक रूप से सोचने वाले जो है परीक्षा की गई थी, जहाँ पे प्रशंसा की गई थी। निश्चित रूप से रेनबो अस्वस्थ होते हैं जहाँ पे जब जो है बुरे लोगों को बताती है और इसके अलावा बुरे लोग जो है मैच जा रहे हो जहाँ पे आपको जो है वास्तव में बुरी तरह चोट जो है पहुँच सकते हैं। आपको बता दें, लेकिन एक जो है प्रकार की और इसके अलावा नाजुकता भी रखी गई है, जो कि हमें लोगों द्वारा उस पर चोट पहुंचाने के बारे में चिंतित करती है। आपको बता दें, पीटर डेब्रूज के साथ जो है वैरायटी के लिए एक नकारात्मक समीक्षा लिखी गई थी और ये चरित्र जो है विरोध भाषा की एक जो है गड़बड़ी की गए हैं, इसका जो है प्रतिनिधित्व करते हैं और एक और जो है स्थायी क्षति जो कि सैम्स के साथ सेवा किसी के साथ जो आत्मा को कर सकती है। साथ ही साथ ये जो सुझाव दे रही है कि आदर्श सैनिक कैसे दिखते हैं और इसके अलावा IGN के लिए 100 में से 4.5 स्टार की रेटिंग दी गई थी। बिटनी के साथ जो है सिबॉल ने शोक व्यक्त किया कि एक चरित्र को जो मूल रूप से खड़ा होने के लिए था और एक सैनिक को जो युद्ध से होने वाली क्षति के प्रतीक के साथ काम में आते हैं, अब एक जो है अकुशल के साथ मानव और मशीन गन के रूप में सबसे अच्छी तरह से याद किए जाते हैं, लेकिन स्टलोन को प्रबंध के रूप में पार्क के साथ जो है वरन के रूप में और इसके अलावा जो भावपूर्ण प्रदर्शन देने का श्रेय दिए जाते हैं। एस्टलोन और मैथ्यू के साथ जो शुरू लनी की पटकथा को प्रतिकूल प्रतिक्रिया मिली, जहाँ पे द हॉलीवुड रिपोर्टर के लिए एक जो है नकारात्मक समीक्षा में फ्रैंक के साथ स्केच ने कहा कि ये पूरी तरह से फेंका हुआ है और आपको बता दें, सामान्य लगता है एक रेनबो के साथ टेलीविजन श्रृंखला के लिए एक जो है उचित और इसके अलावा प्रेशन की तुलना में पाया गया था जैसा कि दिखता है। आपको बता दें, लेकिन इस टुलोन को एक जो है फ्रेंचाइजी को बचाए रखने का श्रेय दिया जाता है। इसके अलावा शिकागो के साथ जो है ट्रिब्यून की केटी ब्लॉस के साथ जिन्होंने फिल्म को 4 में से 1 स्टार दिया और उन्होंने इस स्क्रिप्ट को बामुश्किल एक स्क्रिप्ट और इसके अलावा लेखन को और इसके अलावा आलसी कहा था। उन्होंने कहा कि फिल्म की कहानी लेखक के साथ जो है एस्टलोन और इसके अलावा
डैन गॉर्डन आपके साथ जानते हैं कि चार्ज इमेजरी पर जो है व्यापार करते हैं। वास्तव में ऐसे चरित्र लिखते हैं जो पूरी तरह से मानवीय और इसके अलावा नैतिकता के इस पेड़ को व्यक्त करते हैं, जहाँ पे बल्डी के साथ जो है डिस स्काउंट के साथ बिलियन और इसके अलावा पी बियानी ने कहा था कि फिल्म की स्क्रिप्ट जो है अपने सबसे काम और इसके अलावा जो है आम जो है भाजक तक जो है कर सकती है। पात्रों को जल्दी से स्थापित जो है करना है और फिर उन्हें एक सरल के साथ जो है कथानक में बदलना है, अर्थात जो है रेम्बो मानको धारा भी और इसके अलावा सरलीकृत किए गए फिल्म को 1.5 स्टार की रेटिंग दिया था और उन्होंने इंडी वायरल के लिए फिल्म को डी प्लस के साथ जो है ग्रेडिंग करते हुए एरिक और इसके अलावा जो है कोहन ने कहा कि स्टलोन एक सह लेखक के रूप में रेम्बो के लिए सहानुभूति पैदा करने में एक अच्छा काम करते हैं, लेकिन लॉस्ट ब्लड के साथ ये साबित करने के लिए और इसके अलावा ओवरबोर्ड हो जाते हैं, जहाँ पर उसने एक बेहतर जो इंसान बनने की कोशिश की है, जबकि कई लोगों ने टेकन के लास्ट ब्लड के साथ जो है डेरिवेटा का फ्लॉट कहा था, जहाँ पे वेब आधारित के साथ आलोचक जो है जेम्स और इसके अलावा ब्रैड टी नेली ने इसे फर्स्ट ब्लड टेक में जो है और इसके अलावा जो है बिल्डिंग के लिए कुछ जो है कॉल बैक के साथ एक डेट के साथ और इसके अलावा बीच में संस्करण कहा था। जी हाँ फ्रेंड्स, इसी के साथ बता दें दोस्तों, आलोचकों ने एक्शन देशों की और इसके अलावा कोर्ता से भयभीत होने की सूचना दी। कुछ ने इसकी मात्रा की तुलना की और एक जो है इस लेशर के साथ फिल्म के साथ की और इसके अलावा आपको बता दें ब्रैड डी नेली ने कहा था कि शरीर की संख्या बहुत अधिक है और मृत्यु के तरीके और इसके अलावा हेलो बीन ये फिर जो है फ्राइडेड ने द 13वें सीक्वेंस के योग्य है और फिल्म को 4 में से 1 स्टार दिया, जहाँ पे ड्रीब्यूज ने इस मूवी की हिंसा को और इसके अलावा भयानक जो है और भयानक बतलाया था, जहाँ पे नर्स हार कहा गया और फिर भी इसे जो है प्रशंसकों से उत्साह किया गया था, जहाँ पे जयकार प्राप्त करने के लिए कैलिब्रेट किए गए हैं जिन्होंने रेम्बो के विकास के साथ जो है ईमानदारी से प्लान किया है, जहाँ पे आपको बता दें ऑपरोस के विंस और इसके अलावा मेन सिग्नी ने कहा यह वास्तव में इतना भयानक है, जहाँ पे मुझे जो है विश्वास है कि वास्तविक जीवन के कार्टेल के साथ वीडियो प्रतिबंधित किए गए हैं और यातना का जो है जश्न मना रहे होते हैं, जो आपको बता दें कम खूनी है, लेकिन फिल्म को अवश्य जो है देखने की सिफारिश की। इसके विपरीत न्यूयॉर्क के साथ जो है पोस्ट के जॉनी के साथ जो ओलेक्सिन ने कहा रेम्बो लास्ट ब्लड में वर्ष का सबसे हिंसक जो फिल्म दृश्य और इसके अलावा आसानी से दिखाया गया है, यह बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको बता दें लाख के कथन के साथ नाटक और इसके अलावा हैकनेट के साथ जो बैक स्टोर को संपादित किया जा सकता था। डेन ऑफ गीक ने और इसके अलावा जो है डंकन और बाउलेस ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए, ये लिखते हुए कि यदि आप उस तरह के व्यक्ति नहीं है जो रेम्बो को टूलिंग के साथ ऑब्जे धनुष और इसके अलावा फायरिंग के साथ जो है बोबी टैग को देखकर खुशी से रोना चाहते हैं तो फिल्म वास्तव में आपके लिए नहीं है, लेकिन यदि आप अपने जो है पसंदीदा चरित्र के नरसंहार के ठोस जो प्रदर्शन के बाद देखना चाहते हैं तो प्रस्ताव पर बहुत कुछ रखी गई है। और आपको बता दें कई लोगों ने लास्ट ब्लड के चरमोत्कर्ष को होम के साथ और लोन के और इसके अलावा जो है समान ही देखा, जो इसके विपरीत पीजी का दर्जा दिया गया था। एक अपराध के चित्रण ने और इसके अलावा मोक्षिकों को जो है प्रभावित किया और इसके अलावा अधिकांश जो है मेक्सिकन और इसके अलावा लैटिनो के अपराधियों के रूप में रूढ़िवादी चित्रण ने आलोचकों को और इसके अलावा नस्लवाद और आपको बदला दे जेनोफोबिया और आपको बदला ट्रंप के साथ जो है प्रेसिडेंस के साथ समर्थन को गुहार लगाए थे, आपको बता दें गुमराह करने का आरोप लगाने के लिए प्रेरित किया। द गार्जियन के पीटर और इसके अलावा ब्रेन शॉ ने लास्ट ब्लड को एक फिल्म का बड़े पैमाने पर बड़े हुए पोस्टर के साथ कहा है जो कि आपको केवल बुरी तरह से अभिनय की गई है, जहां पे गैरोंटो के साथ जो है अल्ट्रा हिंसा के साथ मैक्सिकन और इसके अलावा बलात्कारियों की और इसके अलावा जो है आपको बता दें ट्रम्पियन और कल्पनाओं के साथ जो है उलसित किए गए थे और आपको बता दें असुरक्षित किए गए अमेरिकी सीमा के साथ जो है बलात्कार के लिए इसके क्रूर उत्साह के साथ जो है आपको विचलित कर सकते हैं, जहाँ पे रिवेंज के साथ अटैक्स इसे 5 में से 1 स्टार दिया गया था, जहाँ पे सिबार्ड ने लिखा था कि आपको बता दें मैं समझता हूँ कि रेम्बो फिल्म शायद ही कभी जो है संस्कृत के साथ जो एक जूटा का
गढ़ रही है, लेकिन 2019 में ये व्यापक जो है रूढ़िवादिता के साथ जो है आक्रामक और इसके अलावा दिनांकित किए गए सर्वश्रेष्ठ के साथ जिम्मेदार है। कोहेन ने लिखा है 2019 के अति जो है संवेदनशील संस्कृति के साथ जो है वातावरण में हत्यारे का चित्रण किए गए, जहाँ में मैक्सिकन के साथ अपराध के साथ मालिकों और इसके अलावा उनके डरपोक यौन दासों का एक जो है शब्दी और इसके अलावा जो है सफ़ेद उद्घाटन किए गए थे, जहाँ पे उनका सामना करना इतना ही आसान नहीं है, जहाँ पे मैक्सिकन फिल्म जो समीक्षक जो है गिलार्ड ने किया था। एक साथ बता दें दोस्तों, रोजर एबॉट डॉट कॉम के दूसरे जो है दराज ने कहा, और आपको बता दें संवाददाता के साथ जो है मैक्सिकन फिल्म जो समीक्षकों के साथ गिलार्डो के साथ और इसके अलावा वेलोरो ने भी इस मूवी के लिए मेक्सिको के लिए स्पेन के और इसके अलावा दोगुने होने को उपयोग की, जहाँ पे आलोचना किए गए थे और ये कि इस समूह पर जो है हंसना और इसके अलावा असंभव था, लेकिन इसने जो है अभिनेता इस अजीब जो है लहजे में हर दूसरे शब्द के साथ जो है कोसते हुए और इसके अलावा मेक्सिकन को आवाज़ देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर ये फिल्म इतनी ही यानी कि गूंगी नहीं होती है तो शायद मुझे ये सब जो है यानी कि आपत्तिजनक जो है लगते हैं। इसके बारे में शिकायत को उन्होंने संबोधित करते हुए रूढ़िवादी के साथ खलनायक के साथ, हालांकि आपको बता दें बाउंस ने लिखा है कि खलनायक पिछले वर्षों से शुद्ध और इसके अलावा बुराई के रूढ़िवादी जो है तनाव से निर्मित हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो है निंदनीयता के साथ जो विस्फोट किए गए वापसी का काम करती है और हिंसा के साथ कुछ जो है विशेष रूप से गंभीर क्षणों के बावजूद जो है कभी भी पूरी तरह से काम नहीं करता है। इसी के साथ बता दें फ्रेंड्स, एक रूढ़िवादी खलनायक, हालांकि बाउल्स ने लिखा है खलनायक पिछले वर्षों से शुद्ध बुराई के रूढ़िवादी तनाव से निर्मित हो सकते हैं, लेकिन उनकी निंदनायक के साथ जो विस्फोट किए गए वापसी का काम करती है और हिंसा कुछ भी विशेष रूप से गंभीर क्षणों के बावजूद कभी भी पूरी तरह से नहीं भटकनी चाहिए। आईबी से और इसके अलावा अत्यधिक पेट का भी मातना किया गया था। रेम्बो चरित्र के निर्माता और फर्स्ट ब्लॉड के साथ उपन्यास के लेखक जो डेविड मरोल ने इस फिल्म के बारे में काफी अच्छी बात कही। चलिए दोस्तों जानते हैं उन्होंने क्या किया। उन्होंने ट्वीट किया था कि वह लास्ट ब्लॉड को नापसंद करते हैं, इसे एक जो है गड़बड़ कहते हैं और मेरे नाम को इसके साथ जो है जोड़ने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। और इसके अलावा मरेल ने बाद में जो है न्यूज वीक को भी बतलाया था ये बात। थिएटर छोड़ने के बाद मुझे जो अपमानित होना पड़ा और आपको बता दें अमान्य के साथ महसूस हुआ था, जहाँ पे भावपूर्ण होने के बजाय इस नई फिल्म में एक की कमी है। मैंने महसूस किया कि मैंने इसे देखने के लिए एक इंसान से कम था और आज ये एक जो है दुर्भाग्यपूर्ण संदेश है कि आपको बता दें 1970 के दशक की अति हिंसक वाले और इसके अलावा शोषण जो है ग्राइंड हाउस के साथ फिल्मों की विशेषता है, जहाँ पर जिसकी टेक्निकी रेम्बो लास्ट ब्लॉड जैसा दिखता है। यहाँ सेट जो है सस्ते लगते हैं, यहाँ पर दिशा अजीब है, लेकिन रेम्बो को जॉन के साथ जो है स्मृति कहा जा सकता है और फिल्म नहीं बदलेगी, ये मानते हैं कि दर्शक जो है रेम्बो की और पृष्ठभूमि से परिचित है। जबकि 40 से कम उम्र के किसी भी अन्य व्यक्ति को आश्चर्य होगा कि उन सुरंगों के साथ जो पृथ्वी पर क्या चल रहा है, जहाँ पे द एस्केपिस्ट के डरेन ने मुनी ने लिखा है कि रेम्बो ने अपने परिवार के खेत के नीचे जो है विस्तृत और इसके अलावा सुरंगों का निर्माण करने के बियन का और इसके अलावा जो है कांग्रेस की पद्धति को अपनाया है, जहाँ पे इस क्रिन रेंड के जग में साझो आपको बतला दें बोझनार ने कहा रेम्बो की सुरंगें सीयू की तुलना में बहुत जो है बड़ी है और आपको बतला दें अधिक जो है स्वस्थ तथा वाली है, जहाँ पे ची के साथ लेकिन इसके अलावा जो है इमेजरी और इसका तुलनीय होगा। ये कहते हुए कि वह जहाँ अपने रक्षकों को रखते हैं वहाँ पे अपनी जो है नकारात्मक ऊर्जा को भी प्रसारित करते हैं और जहाँ वह अपने अतीत को करीब रखते हैं, लेकिन निहित है कि फिल्म के अंतिम कार्य के लिए आपको बतला दें बेजान के साथ कहा गया था और उनके जो है PTSD के साथ टनल उनके बदला लेने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लिखते हुए उसी जो है गुलिल्ला के साथ जो है रणनीति का उपयोग करते हुए, जो कि आपको बता दें 50 साल पहले उन पर और उनके दोस्तों पर इस्तेमाल होने की संभावना थी। रेम्बो अपने जो है सुरंगों से एक जो है वियतनामी लड़ाकू के साथ जो है पंपिंग की तरह जो है निकलते हैं, एक जो है मगडी के छेद से बाहर निकलते हैं, कई जो लक्षणों को गोली मारते हैं
और फिर जो है भूमिगत गायब हो जाते हैं, और इससे पहले कि वह जानते हैं कि उन्होंने क्या किया था। जी हाँ फ्रेंड्स, बता दें दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं रेम्बो लास्ट ब्लड फिल्म के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस मूवी को फुल हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं, मूवी से जुड़े काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। लाइएगा साल 2011 में सीन हुडू को रेम्बो लास्ट और इसके अलावा स्टैंड नामक एक नई स्क्रिप्ट लिखने के लिए काम पर रखा गया था, जिसे उन्होंने पहले रक्त मूवी के छोटे शहर के थ्रिलर के अनुरूप अधिक के रूप में वर्णित किया था। साल 2012 में हुड ने खुलासा किया था कि स्टलोन द्वारा द इस फिल्म के अलावा और एक से पेंडेबल 2 को समाप्त करने के लिए रेम्बो वी को रोक दिया गया था। हुड ने अपनी अनिश्चितता का भी खुलासा किया था कि क्या फिल्म जो है और इसके अलावा अनफॉरगिवन या फिर जो है पोशिंग ऑफ द टॉर्च के समान होगी, जहां पे अगस्त 2013 में ये घोषणा की गई थी कि एंटरटेनमेंट वन और इसके अलावा न्यू इमेज के साथ जो स्टलोन के साथ एक रेम्बो टीवी श्रृंखला का विकास करेंगे और निर्माण करेंगे। जून 2014 में जर्मन फिल्म कंपनी और इसके अलावा स्प्लेंडिंग के साथ फिल्म ने पुष्टि की है कि स्टलोन ने रेम्बो बी के लिए पटकथा लिखना शुरू कर दिया था, जिसे उन्होंने ओल्ड मैन के लिए नो कंट्री के साथ जो है नो कंट्री के समान बताया। सितंबर 2014 में फिल्म को आधिकारिक तौर पर रेम्बो लास्ट ब्लड शीर्षक दिया गया था, जिसमें स्टलोन भी निर्देशक के रूप में काम कर रहे थे। साल 2015 में स्टलोन और रेम्बो के निर्माता लेखक डेविड मोरोल ने रेम्बो बी के लिए कहानी को फिर से लिखा। स्टलोन ने निर्माताओं को ये विचार दिया, लेकिन वह इसके बजाय मानव तस्करी की कहानी को आगे बढ़ाना चाहते थे, जिससे स्टलोन और उसके अलावा मेरेल की स्क्रिप्ट को छोड़ दिया गया। अब अक्टूबर 2015 में स्टलोन ने एक जो है पिग रोल और इसके अलावा प्रोजेक्ट में रुचि व्यक्त करते हुए कहा, ये उनके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा यानी कि जानना दिलचस्प है कि लोग कैसे बन गए हैं, क्या है यहाँ पर यानी कि, और इसके अलावा जो है वियतनाम में होगा और इसके अलावा आधा जो है नुकसान भी होगा। और आपको बता दें, दर्शादी हुई निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती होगी और एक युवा अभिनेता के लिए, और ये भी उनके साथ जो है बिंड बना रही होगी। रिम्बी युवा रेम्बो को निर्देशित जो है करना है कि इसे 20 साल से अधिक समय तक जो है निभाए गए। जनवरी 2016 तक स्टलोन ने कहा था कि रेम्बो बी के साथ उत्पादन में प्रवेश नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रेम्बो लास्ट फिल्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं, रेम्बो लास्ट ब्लड फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आई होप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, आपको पता है इस वीडियो में हम रेम्बो और द लास्ट ब्लड फिल्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसी के साथ बता दें दोस्तों, साल 2015 में स्टलोन और रेम्बो का निर्माता लेखक डेविड मोरोल ने रेम्बो की वी के लिए कहानी को फिर से लिखा। स्टलोन ने निर्माताओं को ये विचार दिया, लेकिन वह इसके बजाय मानव तस्करी की कहानी को आगे बढ़ाना चाहते थे, इससे स्टलोन और उसके अलावा मोरोल की स्क्रिप्ट को छोड़ दिया गया। अक्टूबर 2015 में स्टलोन ने एक जो है प्रीक्वल प्रोजेक्ट में रुचि व्यक्त करते हुए कहा, ये जानना दिलचस्प है कि लोग कैसे बन गए हैं, क्या है इसके अलावा वियतनाम में होने का आघात जो है नुकसान, और इसके अलावा दर्शाती हुई निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती होगी एक युवा अभिनेता के लिए, और ये जो है उनके अलावा बिन बना रही होगी कि रेम्बो युवा रेम्बो को निर्देशित करता है कि वो इसे 20 जो है साल से अधिक जो है समय तक निभाएंगे। जनवरी 2016 तक स्टलोन ने कहा कि रेम्बो बी उत्पादन में प्रवेश नहीं करेगा। मई 2018 में फिल्म को शुरू में रेम्बो बी के रूप में विकास के लिए फिर से घोषित किया गया था। इसे सितंबर के लिए निर्धारित किए गए प्रमुख फोटोग्राफी के साथ अपने परिवार के सदस्यों में से एक के साथ जो है अपहरण के बाद, और इसके अलावा मैक्सिन के साथ ड्रॉग कॉटन का इसके अलावा मुकाबला किए गए थे। मुकाबला करने के लिए रेम्बो पर ध्यान केंद्रित करने की साजिश की पुष्टि की गई थी। स्टलोन ने फिल्म के रिलीज की तारीख की घोषणा की, इससे वह मैथ्यू के साथ जो है मिरू लर्निंग के साथ एक हॉल के साथ जो है लेखन भी करेंगे। उस समय उन्होंने निर्देशक के रूप में अतिरिक्त जो है रूप से काम करने में अनिश्चितता व्यक्त की थी, जहाँ अगस्त 2018 में एडियन के साथ जो है गुर्नर ब्रॉक को निर्देशक के लिए घोषणा किया गया था। सितंबर 2018 में एड्रियाना और इसके अलावा जो है बर्राजा को कलाकारों में जोड़ा गया। अक्टूबर 2018 में पाज वेगा के साथ जो है वेटेक के साथ, और इसके अलावा मोन रियल में भी सर्जियो के साथ पेरिस, और इसके अलावा मेन चेटा के साथ अस्कर जोड़ा गया था।
और इसके अलावा जोकिन के साथ जो है कोशियो को कास्ट किया गया। 2019 में लुई के साथ जो है मेडिलो, सिला के साथ सौ और इसके अलावा जो है दिमित्री के साथ वेगास और जिमी के साथ जिमी किर्म उर्फ यानी कि येना हान होने की भी किसी के साथ पूर्व घोषणा के कास्ट किए जाने का खुलासा किया गया था इस फिल्म के अंदर। अब दोस्तों इस मूवी की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 2 अक्टूबर 2018 को बुल्गारिया में शुरू हुई और ये पहले 1 सितंबर 2018 में और उससे पहले 27 अक्टूबर 2014 को इसी के साथ फिल्म को शूट किया गया था लुइसियाना के और इसके अलावा सेरवो पोर्ट में शुरू होने वाला था। एक साथ बता दें फ्रेंड्स, बैराज ने अपने देशों को टेनरीफ कैनरी द्वीप समूह में फिल्माया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी 4 दिसंबर 2018 को पूरी हुई। अतिरिक्त फोटोग्राफी मई 2019 के अंत में पूरी कर ली गई थी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों मई 2018 में मिलेनियम फिल्म ने रुचि और बिक्री उत्पादन के साथ करने के लिए परियोजना को कांस में लाया था। कांस में लाया जहाँ पे स्टलोन ने पुष्टि किया है कि जैसे ही फिल्म रिलीज होने वाली है वह फिल्म के सेट से तस्वीरों और वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर साझा करेंगे। फरवरी 2019 में स्टलोन ने अपने इंस्टाग्राम पर रेम्बो के दत्तक परिवार के साथ युद्ध के इतिहास के साथ और चरित्र जो है ग्रीव बेला के अपने पिता को खोजने के लिए और मेक्सिको जाने के इरादे की छवियों का खुलासा किया। मार्च 2019 में स्टलोन ने अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से खून से लथपथ रेम्बो की एक छवि का खुलासा किया और अपने हस्ताक्षर जो है धनुष को निशाना बनाया था। मई 2019 में ये पता चला था कि स्टलोन 24 मई 2019 को पैलिस डेस्क के साथ जो फेस्टिवल एट डेस्क के साथ कांग्रेस में फिल्म की एक विशेष जो है फर्स्ट लुक स्क्रीन के साथ जो है कॉन्स में विशेष चित्र प्रस्तुत करेंगे। पहले ट्रेलर 24 मई 2019 को कांस में प्रदर्शित किया गया था और टीजर ट्रेलर 30 मई 2019 को जारी किया गया था और इसकी तुलना आपको बता दें लोगान और उसके अलावा जो है अनफॉरगिवेंस की गई थी, जहां पे टीजर के लिए ओल्ड टाउन रोड के गाने के लिए रीमिक्स और इसके अलावा संस्करण का इस्तेमाल किया गया था। अगस्त 2019 को स्टलोन ने अपने इंस्टाग्राम पर नाटकीय रिलीज पोस्टर का खुलासा किया। 20 अगस्त 2019 को स्टलोन ने अपने इंस्टाग्राम पर दूसरा ट्रेलर जारी किया जहां 4 सितंबर 2019 को और इसके अलावा अलामो के साथ जो है ड्राफ्ट हाउस सिनेमा ने घोषणा किया था कि वह रेम्बो लास्ट ब्लड के रिलीज के उपलक्ष्य में सभी जो है 5 रेम्बो फिल्मों की और इसके अलावा जो है मैराथन की मेज़बान करेंगे। जहाँ पर डेडलाइन और इसके अलावा हॉलीवुड ने बताया था कि PNA के साथ जो है लगभग जो है 30 मिलियन से अधिक होगी। रेम्बो लास्ट ब्लड के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में 20 सितंबर 2019 को नाटकीय रूप से जारी किया गया था। दादी ने चीनी के साथ वितरण अधिकार खरीदे और 8 जो है अंकों के सौ और इसके अलावा वित्त पोषण सौदे के लिए सहमत हुए थे। 30 जुलाई 2019 को MPAA ने फिल्म को आर रेटिंग दी थी जहां पे ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म जो है क्लासिफिकेशन ने फिल्म को 18 पर और इसके अलावा वर्गीकृत किया था। फिल्म को जापान में 26 जून 2020 को गागा के साथ जो कॉरपोरेशन द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। आपको बता दें लाइसेंस गेट ने रेम्बो को 2 अलग अलग जो है नाटक कोड जारी करने के लिए लास्ट ब्लड देश के अनुसार जो है अलग अलग संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और इसके अलावा जो है कनाडा में फिल्म 89 मिनट चलती है, जहां पे ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है मेक्सिको के साथ और इसके अलावा स्वीडन जो है ब्राजील और इसके अलावा जो फिनलैंड के साथ जर्मनी और जापान में ये मूवी 101 मिनट तक जो है यानी कि चलते हैं। जहां पे बाद वाले संस्करणों में कई जो हटाए गए दृश्य और एक जो है बैक लिपल के साथ उद्घाटन है जो कि लगभग 100 मिनट तक चलती है। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं रेम्बो लास्ट ब्लड के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों रिलीज होने के बाद 3 दिसंबर 2019 को डिजिटल पर रिलीज किया गया था और आपको बता दें लॉयंस गेट होम एंटरटेनमेंट द्वारा 17 दिसंबर 2019 को अल्ट्रा HD ब्लूरे के साथ ब्लूरे और इसके अलावा DVD पर रिलीज किया गया था। यहाँ पे बेस्ट बाय ने 4K UHD रिलीज के लिए एक रिटेल के साथ स्टील बुक जारी की थी। फिल्म के नई हफ्तों के आपको बता दें फिल्म ने कई हफ्तों तक जो है रेड बॉक्स के और इसके अलावा डिस्क जो है रिटर्न के साथ और ऑन जो है डिमांड चार्ट में सेट जो है स्थान हासिल किया था। रेम्बो लास्ट के साथ जो है ब्लॉड और इसके अलावा एक्सटेंडेड के साथ जो है कॉर्ड शीर्षक वाला अंतर्राष्ट्रीय संस्करण मई 2020 में अमेजन प्राइम वीडियो पर जारी किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में DVD ने 10 मिलियन कमाए और ब्लूरे ने
काफ़ी अच्छे कमाई किए थे, 16.6 मिलियन कमाए थे कुल मिलाकर। घरेलू वीडियो बिक्री ने 26.6 मिलियन से अधिक की कमाई किया था। रेनबो लास्ट ब्लड ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 44.8 मिलियन की कमाई की और अन्य क्षेत्रों में 46.7 मिलियन दुनिया भर में कमाई किए थे कुल मिला के 91.5 मिलियन के लिए। और इसके अलावा 50 मिलियन के उत्पादन के बजट के मुकाबले फिल्म ने अच्छी कमाई कर लिया था। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में फिल्म को एक्जुआ एस्ट्रा और इसके अलावा डाउटन एबे के साथ रिलीज किया गया था। इसके शुरुआती हफ्ता में 3,618 थिएटरों से फिल्म ने 23 से लेकर 25 मिलियन डॉलर की कमाई का अनुमान लगाया गया था। फिल्म ने शुक्रवार को 7.17 मिलियन डॉलर कमाई किए थे, इसमें गुरुवार रात के और इसके अलावा पूर्वावलोकन के साथ जो है 1.3 मिलियन शामिल थे। इसने 19 मिलियन की शुरुआत की, तीसरे स्थान पर रही और श्रृंखला के दूसरे सर्वश्रेष्ठ उत्पादन को चिन्हित किया। फिल्म ने अपने दूसरे हफ्ता में 8.6 मिलियन डॉलर और तीसरे हफ्ता में 3.6 मिलियन डॉलर कमाए, जो क्रमशः 6वें और 8वें स्थान पर रहा था। आपको बता दें रोटन टमाटोज पर फिल्म को 173 समीक्षकों के आधार पर 27 की स्वीकृति रेटिंग दी गई है। इसकी औसत रेटिंग जो है 4.10 रखे गए थे। इसके अलावा आपको बता दें फिल्म की साइट की आलोचनात्मक जो है सहमित की गए थे। इससे पहले कि सीक्वेंस की तरह रेनबो लास्ट ब्लड अपने मुख्य चरित्र की एक बार की मरमीज जो है कहानी की कीमत पर खूनी हिंसा में जो है लिफ्ट होने के साथ जो है सामग्री लाती है, जहां पे मेटा क्रिटिक के साथ जो एक भारित और इसके अलावा एक भारित औसत का उपयोग करते हैं। इसके अलावा ये काम सौंपा गया था कि फिल्म को 31 आलोचकों के आधार पर 100 में से 26 का स्कोर मिला, जो आम तौर पर जो है प्रतिकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। जहां पे आपको बता दें सिनेमा स्कोर धारा और इसके अलावा सर्वेक्षण किए गए जो है दर्शकों ने फिल्म को A+ से F के साथ जो है पैमाने पर B का औसत जो है ग्रेड दिया था, जबकि जो है पोस्ट स्टे के साथ धारा किए गए सर्वेक्षण किए गए लोगों ने इसे 5 में से औसत की रेटिंग दी है, 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दिया है। जी हाँ दोस्तों, फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम रेनबो लास्ट ब्लड फिल्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं और मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को बता रहे हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। रेनबो के चरित्र के चित्रण को जांच के दायरे में रखा गया था। साथ ही साथ आपको बता दें लॉस एंजेलिस के साथ टाइम्स के लिए लेखन और इसके अलावा केनेट के साथ जो है टुराने में फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए गए और रेनबो की कहानी की आश्चर्यजनक रूप से सोचने वाली जो है परीक्षा की गई थी, जहाँ पे प्रशंसा की गई थी। निश्चित रूप से रेनबो अस्वस्थ होते हैं जहाँ पे जब जो है बुरे लोगों को बताती है और इसके अलावा बुरे लोग जो है मैच जा रहे हो जहाँ पे आपको जो है वास्तव में बुरी तरह चोट जो है पहुँच सकते हैं, आपको बता दें। लेकिन एक जो है प्रकार की और इसके अलावा नाजुकता भी रखी गई है जो कि हमें लोगों द्वारा उस पर चोट पहुंचाने के बारे में चिंतित करती है। आपको बता दें पीटर डेब्रूस के साथ जो है वैरायटी के लिए एक नकारात्मक समीक्षा लिखी गई थी और ये चरित्र जो है विरोध भाषा की एक जो है गड़बड़ी की गए हैं, इसका जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। और एक और जो है स्थायी क्षति जो कि सैम्स के साथ सेवा किसी के साथ जो आत्मा को कर सकती है। साथ ही साथ ये जो सुझाव दे रही है कि आदर्श सैनिक कैसे दिखते हैं और इसके अलावा IGN के लिए 100 में से 4.5 स्टार की रेटिंग दी गई थी। बिटनी के साथ जो है सिबॉल ने शोक व्यक्त किया कि एक चरित्र को जो मूल रूप से खड़ा होने के लिए था और एक सैनिक को जो युद्ध से होने वाली क्षति के प्रतीक के साथ काम में आते हैं, अब एक जो है अकुशल के साथ मानव और मशीन गन के रूप में सबसे अच्छी तरह से याद किए जाते हैं। लेकिन इस टुलोन को प्रबंध के रूप में पार्क के साथ जो है वरन के रूप में और इसके अलावा जो भावपूर्ण प्रदर्शन देने का श्रेय दिए जाते हैं। एस्टलोन और मैथ्यू के साथ जो शुरू लने की पटकथा को प्रतिकूल प्रतिक्रिया मिली, जहाँ पे द हॉलीवुड रिपोर्टर के लिए एक जो है नकारात्मक समीक्षा में फ्रैंक के साथ स्केच ने कहा कि ये पूरी तरह से फेंका हुआ है और आपको बता दें सामान्य लगता है। एक रेनबो के साथ टेलीविजन श्रृंखला के लिए एक जो है उचित और इसके अलावा प्रेशन की तुलना में पाया गया था जैसा कि दिखता है, आपको बता दें। लेकिन इस टुलोन को एक जो है फ्रेंचाइजी को बचाए रखने का श्रेय दिया जाता है। इसके अलावा शिकागो के साथ जो है ट्रिब्यून की केटी ब्लॉस के साथ जिन्होंने फिल्म को 4 में से 1 स्टार दिया और उन्होंने इस स्क्रिप्ट को बामुश्किल एक स्क्रिप्ट और इसके अलावा लेखन को और इसके अलावा आलसी कहा था। उन्होंने कहा कि फिल्म की कहानी लेखक के साथ जो है एस्टलोन और इसके अलावा
डैन गॉर्डन आपके साथ जानते हैं कि चार्ज इमेजरी पर जो है व्यापार करते हैं। वास्तव में ऐसे चरित्र लिखते हैं जो पूरी तरह से मानवीय और इसके अलावा नैतिकता के इस पेड़ को इफेक्ट करते हैं, जहाँ पे बल्डी के साथ जो है डिस्काउंट के साथ बिलियन और इसके अलावा पी बियानी ने कहा था कि फिल्म की स्क्रिप्ट जो है अपने सबसे काम और इसके अलावा जो है आम जो है भाजक तक जो है कर सकती है। पात्रों को जल्दी से स्थापित जो है करना है और फिर उन्हें एक सरल के साथ जो है कथानक में बदलना है, अर्थात जो है रेम्बो मानको धारा भी और इसके अलावा सरलीकृत किए गए फिल्म को 1.5 स्टार की रेटिंग दिया था और उन्होंने इंडी वायरल के लिए फिल्म को डी प्लस के साथ जो है ग्रेडिंग करते हुए एरिक और इसके अलावा जो है कोहन ने कहा कि स्टलोन एक सह लेखक के रूप में रेम्बो के लिए सहानुभूति पैदा करने में एक अच्छा काम करते हैं, लेकिन लॉस्ट ब्लड के साथ ये साबित करने के लिए और इसके अलावा ओवरबोर्ड हो जाते हैं, जहाँ पर उसने एक बेहतर जो इंसान बनने की कोशिश की है, जबकि कई लोगों ने टेकन के लास्ट ब्लड के साथ जो है डेरिवेटा का प्लॉट कहा था, जहाँ पे वेब आधारित के साथ आलोचक जो है जेम्स और इसके अलावा ब्रैड डी नेली ने इसे फर्स्ट ब्लॉट टेक में जो है और इसके अलावा जो है बिल्डिंग के लिए कुछ जो है कॉल बैक के साथ एक डेट के साथ और इसके अलावा बीच में संस्करण कहा था। जी हाँ फ्रेंड्स, इसी के साथ बता दें दोस्तों, आलोचकों ने एक्शन देशों की और इसके अलावा कोर्ता से भयभीत होने की सूचना दी। कुछ ने इसकी मात्रा की तुलना किए और एक जो है इस लेशर के साथ फिल्म के साथ की और इसके अलावा आपको बता दें ब्रैड डी नेली ने कहा था कि शरीर की संख्या बहुत अधिक है और मृत्यु के तरीके और इसके अलावा हेलोवीन या फिर जो है फ्राइडेड ने 2013 में सीक्वेंस के योग्य हैं और फिल्म को 4/7 स्टार दिया, जहां पे ड्रीब्यूज ने इस मूवी की हिंसा को और इसके अलावा भयानक जो है और भयानक बतलाया था, जहां पे नर्स हार कहा गया और फिर भी इसे जो है प्रशंसकों से उत्साह किया गया था, जहां पे जयकार प्राप्त करने के लिए कैलिब्रेट किए गए हैं जिन्होंने रेम्बो के विकास के साथ जो है ईमानदारी से प्लान किया है, जहाँ पे आपको बता दें ऑपरोक्स के विंस और इसके अलावा मेन सिग्नी ने कहा यह वास्तव में इतना भयानक है, जहाँ पे मुझे जो है विश्वास है कि वास्तविक जीवन के कार्टेल के साथ वीडियो प्रतिबंधित किए गए हैं और यातना का जो है जश्न मना रहे होते हैं, जो आपको बता दें कम खूनी है, लेकिन फिल्म को अवश्य जो है देखने की सिफारिश की। इसके विपरीत न्यूयॉर्क के साथ जो है पोस्ट के जॉनी के साथ जो ओलेक्सिन ने कहा रेम्बो लास्ट ब्लड में वर्ष का सबसे हिंसक जो है फिल्म दृश्य और इसके अलावा आसानी से दिखाया गया है, ये बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको बता दें लाख के कथन के साथ नाटक और इसके अलावा हैकनेट के साथ जो बैक स्टोर को संपादित किया जा सकता था। डेन ऑफ गीक ने और इसके अलावा जो है डंकन और बाउलेंस ने इसे 5/3 स्टार दिए, ये लिखते हुए कि यदि आप उस तरह के व्यक्तित्व नहीं है जो रेम्बो को टूलिंग के साथ ऑब्जेक्ट धनुष और इसके अलावा फायरिंग के साथ जो है बोबी टेक को देखकर खुशी से रोना चाहते हैं तो फिल्म वास्तव में आपके लिए नहीं है, लेकिन यदि आप अपने जो है पसंदीदा चरित्र के नरसंहार के ठोस जो प्रदर्शन के बाद देखना चाहते हैं तो प्रस्ताव पर बहुत कुछ रखी गई है। और आपको बता दें कई लोगों ने लास्ट ब्लॉड के चरमों तकर्ष को होम के साथ और लोन के और इसके अलावा जो है समान ही देखा, जो इसके विपरीत पीजी का दर्जा दिया गया था। एक अपराध के चित्रण ने और इसके अलावा मोक्षिकों को जो है प्रभावित किया और इसके अलावा अधिकांश जो है मेक्सिकन और इसके अलावा लैटिनो के अपराधियों के रूप में रूढ़िवादी चित्रण ने आलोचकों को और इसके अलावा नस्लवाद और आपको बदला दे जेनोफोबिया और आपको बदला ट्रंप के साथ जो है प्रेसिडेंस के साथ समर्थन को गुहार लगाए थे, आपको बदला दे गुमराह करने का आरोप लगाने के लिए प्रेरित किया। द गार्जियन के पीटर और इसके अलावा ब्रेंसा ने लास्ट प्लॉट को एक फिल्म का बड़े पैमाने पर बड़े हुए पोस्टर के साथ कहा है जो कि आपको केवल बुरी तरह से अभिनय की गई है, जहां पे गैरोंटो के साथ जो है अल्ट्रा हिंसा के साथ मैक्सिकन और इसके अलावा बलात्कारियों की और इसके अलावा जो है आपको बता दें ट्रम्पियन और कल्पनाओं के साथ जो है उलसित किए गए थे और आपको बता दें असुरक्षित किए गए अमेरिकी सीमा के साथ जो है बलात्कार के लिए इसके क्रूर उत्साह के साथ जो है आपको विचलित कर सकते हैं, जहाँ पे रिवेंज के साथ अटैक्स इसे 5/1 स्टार दिया गया था, जहाँ पे सिबार्ड ने लिखा था कि आपको बता दें मैं समझता हूँ कि रेम्बो फिल्म शायद ही कभी जो है संस्कृत के साथ जो है एक जूटा का गढ़ रही है, लेकिन 2019 में ये व्यापक जो है रूढ़िवादिता के साथ जो है आक्रामक और इसके अलावा
दिनांकित किए गए सर्वश्रेष्ठ के साथ जिम्मेदार है। कोहेन ने लिखा है 2019 के अति जो है संवेदनशील संस्कृति के साथ जो है वातावरण में हत्यारे का चित्रण किए गए जहाँ में मैक्सिकन के साथ अपराध के साथ मालिकों और इसके अलावा उनके डरपोक यौन दासों का एक जो है शब्दी और इसके अलावा जो है सफ़ेद उद्धारकन किए गए थे जहाँ पे उनका सामना करना इतना ही आसान नहीं है जहाँ पे मैक्सिकन फिल्म जो समीक्षक जो है गिलार्ड ने किया था। एक साथ बता दें दोस्तों रोजर एबॉट डॉट कॉम के दूसरे जो है दराज ने कहा और आपको बता दें संवाददाता के साथ जो है मैक्सिकन फिल्म जो समीक्षकों के साथ गिलार्डो के साथ और इसके अलावा वेलोरो ने भी इस मूवी के लिए मेक्सिको के लिए स्पेन के और इसके अलावा दोगुने होने का उपयोग की जहाँ पे आलोचना किए गए थे और ये कि इस समूह पर जो है हंसना और इसके अलावा असंभव था लेकिन इसने जो है अभिनेता इस अजीब जो है लहजे में हर दूसरे शब्द के साथ जो है कोसते हुए और इसके अलावा मैक्सिकन को आवाज़ देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर ये फिल्म इतनी ही यानी कि गूंगी नहीं होती है तो शायद मुझे ये सब जो है यानी कि आपत्तिजनक जो है लगते हैं। इसके बारे में शिकायत को उन्होंने संबोधित करते हुए रूढ़िवादी के साथ खलनायक के साथ हालांकि आपको बता दें बाउंस ने लिखा है कि खलनायक पिछले वर्षों से शुद्ध और इसके अलावा बुराई के रूढ़िवादी जो है तनाव से निर्मित हो सकते हैं लेकिन उनकी उनकी जो है निंदनीयता के साथ जो विस्फोट किए गए वापसी का काम करती है और हिंसा के साथ कुछ जो है विशेष रूप से गंभीर क्षणों के बावजूद जो है कभी भी पूरी तरह से काम नहीं करता है। इसी के साथ बता दें फ्रेंड्स एक रूढ़िवादी खलनायक हालांकि बाउल्स ने लिखा है खलनायक पिछले वर्षों से शुद्ध बुराई के रूढ़िवादी तनाव से निर्मित हो सकते हैं लेकिन उनकी निंद नायक के साथ जो विस्फोट किए गए वापसी का काम करती है और हिंसा कुछ भी विशेष रूप से गंभीर क्षणों के बावजूद कभी भी पूरी तरह से नहीं भटकनी चाहिए। आईबी से और इसके अलावा अत्यधिक पेट का भी मातना किया गया था। रिम्बो चरित्र के निर्माता और फर्स्ट प्लॉट के साथ उपन्यास के लेखक जो है डेविड मुरोल ने इस फिल्म के बारे में काफी अच्छी बात कही। चलिए दोस्तों जानते हैं उन्होंने क्या किया। उन्होंने ट्वीट किया था कि वह लास्ट प्लॉट को नापसंद करते हैं, इसे एक जो है गड़बड़ कहते हैं और मेरे नाम को इसके साथ जो है जोड़ने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। और इसके अलावा मुरोल ने बाद में जो है न्यूज वीक को भी बतलाया था ये बात। थिएटर छोड़ने के बाद मुझे जो अपमानित होना पड़ा और आपको बता दें अमान्य के साथ महसूस हुआ था जहाँ पे भावपूर्ण होने के बजाय इस नई फिल्म में एक की कमी है। मैंने महसूस किया कि मैंने इसे देखने के लिए एक इंसान से कम था और आज ये एक जो है दुर्भाग्यपूर्ण संदेश है कि आपको बता दें 1970 के दशक की अति हिंसक वाले और इसके अलावा शोषण जो है ग्रैंड हाउस के साथ फिल्मों की विशेषता है जहाँ पे जिसकी टेक्निकी रेम्बो लास्ट ब्लड जैसा दिखता है। यहाँ सेट जो है सस्ते लगते हैं, यहाँ पे दिशा अजीब है लेकिन रेम्बो को जॉन के साथ जो है स्मृति कहा जा सकता है और फिल्म नहीं बदलेगी। ये मानते हैं कि दर्शक जो है रेम्बो की और पृष्ठभूमि से परिचित है जबकि 40 से कम उम्र के किसी भी यानी कि व्यक्ति को आश्चर्य होगा कि उन सुरंगों के साथ जो पृथ्वी पर क्या चल रहा है। जहाँ पे द एस्केपिस्ट के डरेन ने मुनी ने लिखा है कि रेम्बो ने अपने परिवार के खेत के नीचे जो है विस्तृत और इसके अलावा सुरंगों का निर्माण करने के बयान का और इसके अलावा जो है कांग्रेस की पद्धति को अपनाया है। जहाँ पे इस क्रिन रेंड के जग में साजू आपको बतला दें बोझनार ने कहा रेम्बो की सुरंगें सीयू की तुलना में बहुत जो है बड़ी है और आपको बता दें अधिक जो है स्वस्थ तथा वाली है जहाँ पे ची के साथ लेकिन इसके अलावा जो है इमेजरी और इसका तुलनीय होगा। ये कहते हुए कि वह जहाँ अपने रक्षकों को रखते हैं वहाँ पे अपनी जो है नकारात्मक ऊर्जा को भी प्रसारित करते हैं और जहाँ वह अपने अतीत को करीब रखते हैं लेकिन निहित है कि फिल्म के अंतिम कार्य के लिए आपको बता दें बेजान के साथ कहा गया था और उनके जो है PTSD के साथ टनल उनके बदला लेने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लिखते हुए उसी जो है गुलिरला के साथ जो है रणनीति का उपयोग करते हुए जो कि आपको बताए 50 साल पहले उन पर और उनके दोस्त पर इस्तेमाल होने की संभावना थी। रेम्बो अपने जो है सुरंगों से एक जो है वियतनामी लड़ाकू के साथ जो है पंपिंग की तरह जो है निकलते हैं, एक जो है मकड़ी के छेद से बाहर निकलते हैं, कई जो है लक्षणों को गोली मारते हैं,
और फिर जो है भूमिगत के फिर जो भूमिगत गायब हो जाते हैं, और इससे पहले कि वह जानते हैं कि उन्होंने क्या किया था। जी हाँ फ्रेंड्स, बता दें दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं रेम्बो लास्ट प्लॉट फिल्म के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस मूवी को फुल हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं, मूवी से जुड़े काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। के साथ वह चरित्र पूर्ण चक्र में आ गए हैं, वह घर चले गए हैं जहां पे, लेकिन रेम्बो के लिए एक और जो है साहसिक कार्य पर जाने के लिए मुझे लगता है कि एक भाड़े के साथ इशारे के रूप में गलत और इसके अलावा जो है व्याख्या की जा सकती है, और आवश्यकता नहीं है कि मुझे वह नहीं चाहिए लेकिन उनके साथ होने वाली है यही चीज। साल 2010 के कांस फिल्म समारोह में मिलेनियम फिल्म और इसके अलावा न्यू इमेज के साथ जो है हैंड आउट पोस्ट की गई थी। हैन आउट पोस्टर कार्ड के साथ फिल्म का विज्ञापन किया गया, इसका शीर्षक अब रेम्बो भी रखे गए हैं के बावजूद रेम्बो ने कहा कि वह बनाए गए पोस्टर में शामिल नहीं थे, और स्टूडियो ने उन्हें बताया था कि अगर वह फिल्म नहीं बनाते हैं तो इसे पूरा करने के लिए किसी और को ढूंढेंगे। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि फ्रेंचाइजी समाप्त हो जाए, और उन्होंने इसी विचार के साथ सहज होने की बात की है। जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रेम्बो फिल्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं, रेम्बो लास्ट ब्लॉट फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी डब में देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। साल 2011 में सीन हुडू को रेम्बो लास्ट और इसके अलावा स्टैंड नामक एक नई स्क्रिप्ट लिखने के लिए काम पर रखा गया था, जिसे उन्होंने पहले रक्त मूवी के छोटे शहर के थ्रिलर के अनुरूप अधिक के रूप में वर्णित किया था। साल 2012 में हुड ने खुलासा किया था कि स्टैलोन द्वारा द इस फिल्म के अलावा और एक्स पेंडेबल 2 को समाप्त करने के लिए रेम्बो वी को रोक दिया गया था। हुड ने अपनी अनिश्चितता का भी खुलासा किया था कि क्या फिल्म जो है और इसके अलावा अनफॉरगिवन या फिर जो है पोसिंग ऑफ द टॉर्च के समान होगी, जहां पे अगस्त 2013 में ये घोषणा की गई थी कि एंटरटेनमेंट वन और इसके अलावा न्यू इमेज के साथ जो स्टैलोन के साथ एक रेम्बो टीवी श्रृंखला का विकास करेंगे और निर्माण करेंगे। जून 2014 में जर्मन फिल्म कंपनी और इसके अलावा स्प्लेंडिंग के साथ फिल्म ने पुष्टि की है कि स्टैलोन ने रेम्बो बी के लिए पटकथा लिखना शुरू कर दिया था, जिसे उन्होंने ओल्ड मैन के लिए नो कंट्री के साथ जो है नो कंट्री के समान बताया। सितंबर 2014 में फिल्म को आधिकारिक तौर पर रेम्बो लास्ट ब्लड शीर्षक दिया गया था, जिसमें स्टैलोन भी निर्देशक के रूप में काम कर रहे थे। साल 2015 में स्टैलोन और रेम्बो के निर्माता लेखक डेविड मोरोल ने रेम्बो बी के लिए कहानी को फिर से लिखा। स्टैलोन ने निर्माताओं को ये विचार दिया, लेकिन वह इसके बजाय मानव तस्करी की कहानी को आगे बढ़ाना चाहते थे, जिससे स्टैलोन और उसके अलावा मेरेल की स्क्रिप्ट को छोड़ दिया गया। अब अक्टूबर 2015 में स्टैलोन ने एक जो है पिग रवल और इसके अलावा प्रोजेक्ट में रुचि व्यक्त करते हुए कहा, ये उनके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा यानी कि जानना दिलचस्प है कि लोग कैसे बन गए हैं, क्या है यहाँ पे यानी कि, और इसके अलावा जो है वियतनाम में होगा और इसके अलावा आधा जो है नुकसान भी होगा, और आपको बता दें दर्शादी हुई निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती होगी और एक युवा अभिनेता के लिए, और ये भी उनके साथ जो है बिंड बना रही होगी। रेम्बी युवा रेम्बो को निर्देशित जो है करना है कि इसे 20 साल से अधिक समय तक जो है निभाए गए। जनवरी 2016 तक स्टैलोन ने कहा था कि रेम्बो बी के साथ उत्पादन में प्रवेश नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रेम्बो लास्ट फिल्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं, रेम्बो लास्ट ब्लॉट फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आई होप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स आपको पता है इस वीडियो में हम रेम्बो और द लास्ट ब्लॉट फिल्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसी के साथ बता दें दोस्तों साल 2015 में स्टैलोन और रेम्बो के निर्माता लेखक डेविड मोरोल ने रेम्बो की वी के लिए कहानी को फिर से लिखा। स्टैलोन ने निर्माताओं को ये विचार दिया, लेकिन वह इसके बजाय मानव तस्करी की कहानी को आगे बढ़ाना चाहते थे, इससे स्टैलोन और उसके अलावा मोरोल की स्क्रिप्ट को छोड़ दिया गया। अक्टूबर 2015 में स्टैलोन ने एक जो है प्रीक्वल प्रोजेक्ट में रुचि व्यक्त करते हुए कहा, ये जानना दिलचस्प है कि लोग कैसे बन गए हैं, क्या है, इसके अलावा वियतनाम में होने का आघात जो है नुकसान, और इसके अलावा दर्शाती हुई निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती होगी एक युवा अभिनेता के लिए, और ये जो है उनके अलावा बिन बना रही होगी कि रेम्बो युवा रेम्बो को निर्देशित करता है कि वह इसे 20 जो है साल से अधिक जो है समय तक निभाएंगे।
जनवरी 2016 तक स्टालोन ने कहा कि रेम्बो बी उत्पादन में प्रवेश नहीं करेगा। मई 2018 में फिल्म को शुरू में रेम्बो बी के रूप में विकास के लिए फिर से घोषित किया गया था। इसे सितंबर के लिए निर्धारित किए गए प्रमुख फोटोग्राफी के साथ अपने परिवार के सदस्यों में से एक के साथ जो है अपहरण के बाद, और इसके अलावा मैक्सिन के साथ ड्रॉ कॉटन का इसके अलावा मुकाबला किए गए थे। मुकाबला करने के लिए रेम्बो पर ध्यान केंद्रित करने की साजिश की पुष्टि की गई थी। स्टालोन ने फिल्म की रिलीज की तारीख की घोषणा की। इससे वह मैथ्यू के साथ जो है मिरू लर्निंग के साथ एक हॉल के साथ जो है लेखन भी करेंगे। उस समय उन्होंने निर्देशक के रूप में अतिरिक्त जो है रूप से काम करने में अनिश्चितता व्यक्त की थी। जहां अगस्त 2018 में एडियन के साथ जो है गुर्नर ब्रॉक को निर्देशक के लिए घोषणा किया गया था। सितंबर 2018 में एड्रियाना और इसके अलावा जो है बर्राजा को कलाकारों में जोड़ा गया। अक्टूबर 2018 में पाज वेगा के साथ जो है वेटेक के साथ, और इसके अलावा मोनरियल में भी सर्जियो के साथ पेरिस, और इसके अलावा मेन चेटा के साथ अस्कर जोड़ा गया था, और इसके अलावा जोकिन के साथ जो है कोशियो को कास्ट किया गया। 2019 में लुई के साथ जो है मेडिलो सिला के साथ सौ, और इसके अलावा जो है दिमित्री के साथ वेगास, और जिमी के साथ जिमी किम उर्फ यानी कि येना हान होने की भी किसी के साथ पूर्व घोषणा के कास्ट किए जाने का खुलासा किया गया था इस फिल्म के अंदर। अब दोस्तों, इस मूवी की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 2 अक्टूबर 2018 को बुल्गारिया में शुरू हुई, और ये पहले 1 सितंबर 2018 में और उससे पहले 27 अक्टूबर 2014 को इसी के साथ फिल्म को शूट किया गया था लुइसियाना के, और इसके अलावा सेरो पोर्ट में शुरू होने वाला था। एक साथ बता दें फ्रेंड्स, बैराज ने अपने देशों को टेनरीफ कैनरी द्वीप समूह में फिल्माया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी 4 दिसंबर 2018 को पूरी हुई। अतिरिक्त फोटोग्राफी मई 2019 के अंत में पूरी कर ली गई थी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों मई 2018 में मिलेनियम फिल्म ने रुचि और बिक्री उत्पादन के साथ करने के लिए परियोजना को कांस में लाया था। कांस मेला जहाँ पे स्टालोन ने पुष्टि किया है कि जैसे ही फिल्म रिलीज होने वाली है वह फिल्म के सेट से तस्वीरों और वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर साझा करेंगे। फरवरी 2019 में स्टालोन ने अपने इंस्टाग्राम पर रेम्बो के दत्तक परिवार के साथ युद्ध के इतिहास के साथ और चरित्र जो है गरीब बेला के अपने पिता को खोजने के लिए और मैक्सिको जाने के इरादे की छवियों का खुलासा किया। मार्च 2019 में स्टालोन ने अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से खून से लथपथ रेम्बो की एक छवि का खुलासा किया और अपने हस्ताक्षर जो है धनुष को निशाना बनाया था। मई 2019 में ये पता चला था कि स्टालोन 24 मई 2019 को पैलिस डेज के साथ जो फेस्टिवल एट डेज के साथ कांग्रेस में फिल्म की एक विशेष जो है फर्स्ट लुक स्क्रीन के साथ जो है कॉन्स में विशेष चित्र प्रस्तुत करेंगे। पहले ट्रेलर 24 मई 2019 को कांस में प्रदर्शित किया गया था और टीजर ट्रेलर 30 मई 2019 को जारी किया गया था, और इसकी तुलना आपको बता दें लोगान और उसके अलावा जो है अनफॉरगिवेंस की गई थी, जहां पे टीजर के लिए ओल्ड टाउन रोड के गाने के लिए रिमिक्स और इसके अलावा संस्करण का इस्तेमाल किया गया था। अगस्त 2019 को स्टालोन ने अपने इंस्टाग्राम पर नाटकीय रिलीज पोस्टर का खुलासा किया। 20 अगस्त 2019 को स्टालोन ने अपने इंस्टाग्राम पर दूसरा ट्रेलर जारी किया, जहां 4 सितंबर 2019 को और इसके अलावा अलामो के साथ जो है ड्राफ्ट हाउस सिनेमा ने घोषणा किया था कि वह रेम्बो लास्ट ब्लड की रिलीज के उपलक्ष्य में सभी जो है 5 रेम्बो फिल्मों की और इसके अलावा जो है मैराथन की मेज़बान करेंगे। जहाँ पे डेडलाइन और इसके अलावा हॉलीवुड ने बताया था कि PNA के साथ जो है लगभग जो है 30 मिलियन से अधिक होगी। रेम्बो लास्ट ब्लड के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में 20 सितंबर 2019 को नाटकीय रूप से जारी किया गया था। दादी ने चीनी के साथ वितरण अधिकार खरीदे और 8 जो है अंकों के सौ और इसके अलावा वित्त पोषण सौदे के लिए सहमत हुए थे। 30 जुलाई 2019 को MPAA ने फिल्म को आर रेटिंग दी थी, जहां पे ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म जो है क्लासिफिकेशन ने फिल्म को 18 पर और इसके अलावा वर्गीकृत किया था। फिल्म को जापान में 26 जून 2020 को गागा के साथ जो है कॉरपोरेशन द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। आपको बता दें लाइसेंस गेट ने रेम्बो को 2 अलग अलग जो है नाट्य कोड जारी करने के लिए लास्ट ब्लड देश के अनुसार जो है अलग अलग संयुक्त राज्य अमेरिका,
यूनाइटेड किंगडम और इसके अलावा जो है कनाडा में फिल्म 89 मिनट चलती है, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है मेक्सिको के साथ और इसके अलावा स्वीडन जो है ब्राज़ील और इसके अलावा जो है फिनलैंड के साथ जर्मनी और जापान में ये मूवी 101 मिनट तक जो है यानी कि चलते हैं, जहाँ पे बाद वाले संस्करणों में कई जो हटाए गए दृश्य और एक जो है बैक क्लिपल के साथ उद्घाटन है जो कि लगभग 100 मिनट तक चलती है। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं रेम्बो लास्ट ब्लड के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों रिलीज होने के बाद 3 दिसंबर 2019 को डिजिटल पर रिलीज किया गया था और आपको बता दें लायंसगेट होम एंटरटेनमेंट द्वारा 17 दिसंबर 2019 को अल्ट्रा एचडी ब्लूरे के साथ ब्लूरे और इसके अलावा डीवीडी पर रिलीज किया गया था। यहाँ पे बेस्ट बाय ने 4K UHD रिलीज के लिए एक रिटेल के साथ स्टील बुक जारी की थी। फिल्म के नई हफ्तों के आपको बता दें फिल्म ने कई हफ्तों तक जो है रेड बॉक्स के और इसके अलावा डिस्क जो है रेडन के साथ और ऑन जो है डिमांड चार्ट में सेट जो है स्थान हासिल किया था। रेम्बो लास्ट के साथ जो है ब्लॉड और इसके अलावा एक्सटेंडेड के साथ जो है कॉर्ड शीर्षक वाला अंतर्राष्ट्रीय संस्करण मई 2020 में अमेजन प्राइम वीडियो पर जारी किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में डीवीडी ने 10 मिलियन कमाए और ब्लूरे ने काफ़ी अच्छे कमाई किए थे, 16.6 मिलियन कमाए थे। कुल मिलाकर घरेलू वीडियो बिक्री ने 26.6 मिलियन से अधिक की कमाई किया था। रेम्बो लास्ट ब्लड ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 44.8 मिलियन की कमाई की और अन्य क्षेत्रों में 46.7 मिलियन दुनिया भर में कमाई किए थे। कुल मिला के 91.5 मिलियन के लिए और इसके अलावा 50 मिलियन के उत्पादन के बजट मुकाबले फिल्म ने अच्छी कमाई कर लिया था। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में फिल्म को एक जो एक्स्ट्रा और इसके अलावा डाउटन एबे के साथ रिलीज किया गया था। इसके शुरुआती हफ्ता में 3,618 थिएटरों से फिल्म ने 23 से लेकर 25 मिलियन डॉलर की कमाई का अनुमान लगाया गया था। फिल्म ने शुक्रवार को 7.17 मिलियन डॉलर कमाई किए थे, इसमें गुरुवार रात के और इसके अलावा पूर्वावलोकन के साथ जो है 1.3 मिलियन शामिल थे। इसने 19 मिलियन की शुरुआत की, तीसरे स्थान पर रही और श्रृंखला के दूसरे सर्वश्रेष्ठ उत्पादन को चिन्हित किया। फिल्म ने अपने दूसरे हफ्ता में 8.6 मिलियन डॉलर और तीसरे हफ्ते में 3.6 मिलियन डॉलर कमाए, जो क्रमश छठे और आठवें स्थान पर रहा था। आपको बता दें रोटन टोमेटोज पर फिल्म को 173 समीक्षकों के आधार पर 27 की स्वीकृति रेटिंग दी गई है। इसकी औसत रेटिंग जो है 4.10 रखे गए थे। इसके अलावा आपको बता दें फिल्म की साइट की आलोचनात्मक जो है सहमित की गए थे। इससे पहले कि सीक्वेंस की तरह रेम्बो लास्ट ब्लड अपने मुख्य चरित्र की एक बार की मरमीज जो है कहानी की कीमत पर खूनी हिंसा में जो है लिफ्ट होने के साथ जो है सामग्री लाती है, जहां पे मेटा क्रिटिक के साथ जो एक भारित और इसके अलावा एक भारित औसत का उपयोग करते हैं। इसके अलावा ये काम सौंपा गया था कि फिल्म को 31 आलोचकों के आधार पर 100 में से 26 का स्कोर मिला, जो आम तौर पर जो है प्रतिकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। जहाँ पे आपको बता दें सिनेमा स्कोर धारा और इसके अलावा सर्वेक्षण किए गए जो है दर्शकों ने फिल्म को A+ से F के साथ जो है पैमाने पर B का औसत जो है ग्रेड दिया था, जबकि जो है पोस्ट स्टेक के साथ धारा किए गए सर्वेक्षण किए गए लोगों ने इसे 5 में से औसत की रेटिंग दी है, 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दिया है। जी हाँ दोस्तों, फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम रेम्बो लास्ट ब्लड फिल्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं और मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को बता रहे हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। रेम्बो के चरित्र के चित्रण को जाँच के दायरे में रखा गया था। साथ ही साथ आपको बता दें लॉस एंजेलिस के साथ टाइम्स के लिए लेखन और इसके अलावा केनेट के साथ जो है टुराने में फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए गए और रेम्बो की कहानी की आश्चर्यजनक रूप से सोचने वाली जो है परीक्षा की गई थी, जहाँ पे प्रशंसा की गई थी। निश्चित रूप से रेम्बो अस्वस्थ होते हैं जहाँ पे जब जो है बुरे लोगों को बताती है और इसके अलावा बुरे लोग जो है मैच जा रहे हो जहाँ पे आपको जो है वास्तव में बुरी तरह चोट जो है पहुँच सकते हैं आपको बता दें। लेकिन एक जो है प्रकार की और इसके अलावा नाजुकता भी रखी गई है जो कि हमें लोगों द्वारा उस पर चोट पहुंचाने के बारे में चिंतित करती है। आपको बता दें पीटर डेब्रूस के साथ जो है वैरायटी के लिए एक नकारात्मक समीक्षा लिखी गई थी और ये चरित्र जो है विरोध भाषा की एक जो है गड़बड़ी की गए हैं इसका जो है प्रतिनिधित्व करते हैं और एक और जो है स्थायी क्षति जो कि सैम्स के साथ सेवा किसी के साथ जो आत्मा को कर सकती है।
साथ ही साथ ये जो सुझाव दे रही है कि आदर्श सैनिक कैसे दिखते हैं, और इसके अलावा IGN के लिए 100 में से 4.5 स्टार की रेटिंग दी गई थी। बिटनी के साथ जो है सिबॉल ने शोक व्यक्त किया कि एक चरित्र को जो मूल रूप से खड़ा होने के लिए था, और एक सैनिक को जो युद्ध से होने वाली क्षति के प्रतीक के साथ काम में आते हैं, अब एक जो है अकुशल के साथ मानव और मशीन गन के रूप में सबसे अच्छी तरह से याद किए जाते हैं। लेकिन इस टलोन को प्रबंध के रूप में, पार्क के साथ जो है वरन के रूप में, और इसके अलावा जो भावपूर्ण प्रदर्शन देने का श्रेय दिए जाते हैं। एस्टलोन और मैथ्यू के साथ भी शुरू लने की पटकथा को प्रतिकूल प्रतिक्रिया मिली, जहां पे द हॉलीवुड रिपोर्टर के लिए एक जो है नकारात्मक समीक्षा में फ्रैंक के साथ स्केच ने कहा कि ये पूरी तरह से फेंका हुआ है, और आपको बतला दे सामान्य लगता है। एक रेमबो के साथ टेलीविजन श्रृंखला के लिए एक जो है उचित, और इसके अलावा प्रेशन की तुलना में पाया गया था जैसा कि दिखता है, आपको बता दें। लेकिन इस टुलोन को एक जो है फ्रेंचाइजी को बचाए रखने का श्रेय दिया जाता है। इसके अलावा शिकागो के साथ जो है ट्रिब्यून की केटी ब्लॉस के साथ, जिन्होंने फिल्म को 4 में से 1 स्टार दिया, और उन्होंने इस स्क्रिप्ट को बामुश्किल एक स्क्रिप्ट, और इसके अलावा लेखन को, और इसके अलावा आलसी कहा था। उन्होंने कहा कि फिल्म की कहानी लेखक के साथ जो है इस टुलोन, और इसके अलावा डैन गटोन आपके साथ जानते हैं कि चार्ज इमेजरी पर जो है व्यापार करते हैं, वास्तव में ऐसे चरित्र लिखते हैं जो पूरी तरह से मानवीय और इसके अलावा नैतिकता के इस पेड को व्यक्त करते हैं, जहां पे बल्डी के साथ जो है डिस स्काउंट के साथ बिलियन, और इसके अलावा पी बियानी ने कहा था कि फिल्म की स्क्रिप्ट जो है अपने सबसे काम, और इसके अलावा जो है आम जो है भाजक तक जो है कर सकती है। पात्रों को जल्दी से स्थापित जो है करना है, और फिर उन्हें एक सरल के साथ जो है कथानक में बदलना है, अर्थात जो है रेम्बो मान को धारा भी, और इसके अलावा सरलीकृत किए गए फिल्म को 1.5 स्टार की रेटिंग दिया था, और उन्होंने इंडी वायरल के लिए फिल्म को D+ के साथ जो है ग्रेडिंग करते हुए एरिक, और इसके अलावा जो है कोहन ने कहा कि स्टलोन एक सह लेखक के रूप में रेम्बो के लिए सहानुभूति पैदा करने में एक अच्छा काम करते हैं, लेकिन लॉस्ट ब्लड के साथ ये साबित करने के लिए, और इसके अलावा ओवरबोर्ड हो जाते हैं, जहाँ पर उसने एक बेहतर जो इंसान बनने की कोशिश की है, जबकि कई लोगों ने टेकन के लास्ट ब्लड के साथ जो है डेरिवेटा का प्लॉट कहा था, जहाँ पे वेब आधारित के साथ आलोचक जो है जेम्स, और इसके अलावा ब्रैड टी नेली ने इसे फर्स्ट ब्लड टेक में जो है, और इसके अलावा जो है बिल्डिंग के लिए कुछ जो है कॉल बैक के साथ एक डेट के साथ, और इसके अलावा बीच जो है संस्करण कहा था। जी हाँ फ्रेंड्स, इसी के साथ बता दें दोस्तों, आलोचकों ने एक्शन देशों की और इसके अलावा कोटा से भयभीत होने की सूचना दी, कुछ ने इसकी मात्रा की तुलना किए, और एक जो है इस लेसर के साथ फिल्म के स्वाद की, और इसके अलावा आपको बता दें ब्रैड डी नेली ने कहा था कि शरीर की संख्या बहुत अधिक है और मृत्यु के तरीके, और इसके अलावा हेलो बीन ये फिर जो है फ्राइडेड ने द 13वें सीक्वेंस के योग्य हैं, और फिल्म को 4 में से 1 स्टार दिया, जहां पे ड्रीब्यूज ने इस मूवी की हिंसा को और इसके अलावा भयानक जो है और भयानक बतलाया था, जहां पे नर्स हार कहा गया, और फिर भी इसे जो है प्रशंसकों से उत्साह किया गया था, जहां पे जयकार प्राप्त करने के लिए कैलिब्रेट किए गए हैं, जिन्होंने रेम्बो के विकास के साथ जो है ईमानदारी से प्लान किया है, जहाँ पे आपको बता दें ऑपरोक्स के विंस और इसके अलावा मेन सिग्नी ने कहा, यह वास्तव में इतना भयानक है, जहाँ पे मुझे जो है विश्वास है कि वास्तविक जीवन के कार्टेल के साथ वीडियो प्रतिबंधित किए गए हैं और यातना का जो है जश्न मना रहे होते हैं, जो आपको बता दें कम खूनी है, लेकिन फिल्म को अवश्य जो है देखने की सिफारिश की। इसके विपरीत न्यूयॉर्क के साथ जो है पोस्ट के जॉनी के साथ जो ओलेक्सिन ने कहा, रेम्बो लास्ट ब्लड में वर्ष का सबसे हिंसक जो है फिल्म दृश्य और इसके अलावा आसानी से दिखाया गया है, ये बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको बता दें लाख के कथन के साथ नाटक और इसके अलावा हैकनेट के साथ जो बैक स्टोर को संपादित किया जा सकता था। डेन ऑफ गीक ने और इसके अलावा जो है डंकन और बाउलेंस ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए, ये लिखते हुए कि यदि आप उस तरह के व्यक्तित्व नहीं है जो रेम्बो को टूलिंग के साथ ऑब्जेक्ट धनुष और इसके अलावा
फायरिंग के साथ जो है बॉबी टेक को देखकर खुशी से रोना चाहते हैं। तो फिल्म वास्तव में आपके लिए नहीं है, लेकिन यदि आप अपने जो है पसंदीदा चरित्र के नरसंहार के ठोस जो है प्रदर्शन के बाद देखना चाहते हैं तो प्रस्ताव पर बहुत कुछ रखी गई है। और आपको बता दें, कई लोगों ने लास्ट ब्लड के चरमों तकर्ष को होम के साथ और लोन के और इसके अलावा जो है समान ही देखा, जो इसके विपरीत पीजी का दर्जा दिया गया था। एक अपराध के चित्रण ने और इसके अलावा मोक्षिकों को जो है प्रभावित किया, और इसके अलावा अधिकांश जो है मेक्सिकन और इसके अलावा लैटिनो के अपराधियों के रूप में रूढ़िवादी चित्रण ने आलोचकों को और इसके अलावा नस्लवाद और आपको बदला दे जेनोफोबिया और आपको बदला ट्रंप के साथ जो है प्रेसिडेंस के साथ समर्थन को गुहार लगाए थे। आपको बता दें, गुमराह करने का आरोप लगाने के लिए प्रेरित किया द गार्जियन के पीटर और इसके अलावा ब्रेन शाह ने लास्ट ब्लड को एक फिल्म का बड़े पैमाने पर बड़े हुए पोस्टर के साथ कहा है, जो कि आपको केवल बुरी तरह से अभिनय की गई है, जहां पे गैरोंटो के साथ जो है अल्ट्रा हिंसा के साथ मैक्सिकन और इसके अलावा बलात्कारियों की और इसके अलावा जो है आपको बता दें ट्रंपियन और कल्पनाओं के साथ जो है उल्सित किए गए थे। और आपको बता दें, असुरक्षित किए गए अमेरिकी सीमा के साथ जो है बलात्कार के लिए इसके क्रूर उत्साह के साथ जो है आपको विचलित कर सकते हैं, जहाँ पे रिवेंज के साथ अटैक्स इसे 5 में से 1 स्टार दिया गया था, जहाँ पे सिबार्ड ने लिखा था कि आपको बता दें मैं समझता हूँ कि रेम्बो फिल्म शायद ही कभी जो है संस्कृत के साथ जो एक जूटा का गढ़ रही है, लेकिन 2019 में ये व्यापक जो है रूढ़िवादिता के साथ जो है आक्रामक और इसके अलावा दिनांकित किए गए सर्वश्रेष्ठ के साथ जिम्मेदार है। कोहेन ने लिखा है 2019 के अति जो है संवेदनशील संस्कृति के साथ जो है वातावरण में हत्यारे का चित्रण किए गए, जहाँ पे मैक्सिकन के साथ अपराध के साथ मालिकों और इसके अलावा उनके डरपोक यौन दासों का एक जो है शब्दी और इसके अलावा जो है सफेद उद्धरण किए गए थे, जहाँ पे उनका सामना करना इतना ही आसान नहीं है, जहाँ पे मैक्सिकन फिल्म जो समीक्षक जो है गिलार्ड ने किया था। एक साथ बता दें दोस्तों, RogerEbert.com के दूसरे जो है दराज ने कहा और आपको बता दें संवाददाता के साथ जो है मैक्सिकन फिल्म जो समीक्षकों के साथ गिराडो के साथ और इसके अलावा वेलोरो ने भी इस मूवी के लिए मैक्सिको के लिए स्पेन के और इसके अलावा दोगुने होने को उपयोग की, जहां पे आलोचना किए गए थे और ये कि इस समूह पर जो है हंसना और इसके अलावा असंभव था, लेकिन इसमें जो है अभिनेता इस अजीब जो है लहजे में हर दूसरे शब्द के साथ जो है कोसते हुए और इसके अलावा मैक्सिकन को आवाज़ देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर ये फिल्म इतनी ही यानी कि गूंगी नहीं होती है तो शायद मुझे ये सब जो है यानी कि आपत्तिजनक जो है लगते हैं। इसके बारे में शिकायत को उन्होंने संबोधित करते हुए रूढ़िवादी के साथ खलनायक के साथ, हालांकि आपको बता दें बाउंस ने लिखा है कि खलनायक पिछले वर्षों से शुद्ध और इसके अलावा बुराई के रूढ़िवादी जो है तनाव से निर्मित हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो है निंदनीयता के साथ जो है विस्फोट किए गए वापसी का काम करती है और हिंसा के साथ कुछ जो है विशेष रूप से गंभीर क्षणों के बावजूद जो है कभी भी पूरी तरह से काम नहीं करता है। इसी के साथ बता दें फ्रेंड्स, एक रूढ़िवादी खलनायक, हालांकि बाउल्स ने लिखा है खलनायक पिछले वर्षों से शुद्ध बुराई के रूढ़िवादी तनाव से निर्मित हो सकते हैं, लेकिन उनकी निंदनायक के साथ जो विस्फोट किए गए वापसी का काम करती है और हिंसा कुछ भी विशेष रूप से गंभीर क्षणों के बावजूद कभी भी पूरी तरह से नहीं भटकनी चाहिए। आईबी से और इसके अलावा अत्यधिक पेट का भी मातना किया गया था। रेम्बो चरित्र के निर्माता और फर्स्ट ब्लड के साथ उपन्यास के लेखक जो डेविड मुरोल ने इस फिल्म के बारे में काफी अच्छी बात कही। चलिए दोस्तों, जानते हैं उन्होंने क्या किया। उन्होंने ट्वीट किया था कि वह लास्ट ब्लड को नापसंद करते हैं, इसे एक जो है गड़बड़ कहते हैं और मेरे नाम को इसके साथ जो है जोड़ने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। और इसके अलावा मुरोल ने बाद में जो है न्यूज वीक को भी बताया था ये बात। थिएटर छोड़ने के बाद मुझे जो अपमानित होना पड़ा और आपको बता दें अमान्य के साथ महसूस हुआ था, जहां पे भावपूर्ण होने के बजाय इस नई फिल्म में एक की कमी है। मैंने महसूस किया कि मैंने इसे देखने के लिए एक इंसान से कम था और आज ये एक जो है दुर्भाग्यपूर्ण संदेश है कि आपको बता दें 1970 के दशक की अति हिंसक वाले और इसके अलावा शोषण जो है ग्राइंड हाउस के साथ फिल्मों की विशेषता है, जहाँ पर जिसकी टेक्निकी रेम्बो लास्ट ब्लड जैसा दिखता है। यहाँ सेट जो है सस्ते लगते हैं, यहाँ पर दिशा अजीब है, लेकिन रेम्बो को जॉन के साथ जो है स्मृति कहा जा सकता है और फिल्म नहीं बदलेगी, ये मानते हैं कि दर्शक जो है रेम्बो की और पृष्ठभूमि से परिचित है।
जबकि 40 से कम उम्र के किसी भी अनेक व्यक्ति को आश्चर्य होगा कि उन सुरंगों के साथ जो पृथ्वी पर क्या चल रहा है। यहाँ पे द एस के पिस्ट के डरेन ने मुनी ने लिखा है कि रेम्बो ने अपने परिवार के खेत के नीचे जो है विस्तृत और इसके अलावा सुरंगों का निर्माण करने के बयान का और इसके अलावा जो है कांग्रेस की पद्धति को अपनाया है। जहाँ पे इस क्रिन रेंड के जग में साझो आपको बतला दें, बोजनार ने कहा रेम्बो की सुरंगे सीयू की तुलना में बहुत जो है बड़ी है और आपको बतला दें अधिक जो है स्वस्थता वाली है। जहाँ पे ची के साथ लेकिन इसके अलावा जो है इमेजरी और इसका तुलनीय होगा ये कहते हुए कि वह जहाँ अपने रक्षकों को रखते हैं वहाँ पे अपनी जो है नकारात्मक ऊर्जा को भी प्रसारित करते हैं और जहाँ वह अपने अतीत को करीब रखते हैं। लेकिन निहित है कि फिल्म के अंतिम कार्य के लिए आपको बतला दें बेजान के साथ कहा गया था और उनके जो है PTSD के साथ टनल उनके बदला लेने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लिखते हुए उसे जो है गुलिल्ला के साथ जो है रणनीति का उपयोग करते हुए जो कि आपको बता दें 50 साल पहले उन पर और उनके दोस्त पर इस्तेमाल होने की संभावना थी। रेम्बो अपने जो है सुरंगों से एक जो है वियतनामी लड़ाकू के साथ जो है पंपिंग की तरह जो है निकलते हैं, एक जो है मगडी के छेद से बाहर निकलते हैं, कई जो है लक्षणों को गोली मारते हैं और फिर जो है भूमिगत गायब हो जाते हैं और इससे पहले कि वह जानते हैं कि उन्होंने क्या किया था। जी हाँ फ्रेंड्स, बता दें दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं रेम्बो लास्ट ब्लड फिल्म के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस मूवी को फुल हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं, मूवी से जुड़े काफ़ी रोमांटिक फैक्ट को बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। वंशिक रूप से और इसके अलावा इंजीनियर ग्राम मीनो को मारने और आपको बतला दें उनके लिए इस फिल्म की कहानी को लिखी गई थी जहां पे कुलीन विशेष बल को मारने वाले टीम का नेतृत्व करता था। न्यूज इमेज के लिए फिल्म के बारे में कहते हुए और इसके अलावा मिलेनियम फिल्म ने द सेवेज हंट के लिए एक अवधारणा कला पोस्ट कर किया था जहां पे आधिकारिक जो है सारांश जारी किए गए थे। हालांकि नवंबर 2009 तक जो है फिल्म की कथानक स्टालोन द्वारा लिखी जा चुकी थी। फिल्म की कहानी पर वापस आ गए थे जहां पे जिसमें रेम्बो को एक अपहरण की गई लड़की को बचाने के लिए मैक्सिन के साथ सीमा पर करना शामिल था। मई 2010 में स्टालोन ने खुलासा किया था कि वह चरित्र के साथ किया गया था जहां पे जिसमें कहा गया था कि मुझे लगता है कि रेम्बो ने बहुत अच्छा काम किया है, मुझे नहीं लगता कि कोई और होगा और मुझे लगभग जो है 99% यकीन है कि मैं इसे करने जा रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि रॉकी के साथ जो है बलबाओ के साथ वह चरित्र पूर्ण चक्र में आ गए हैं, वह घर चले गए हैं जहां पे। लेकिन रेम्बो के लिए एक और जो है साहसिक कार्य पर जाने के लिए मुझे लगता है कि एक भड़े के साथ इशारे के रूप में गलत और इसके अलावा जो है व्याख्या की जा सकती है और आवश्यकता नहीं है कि मुझे वह नहीं चाहिए लेकिन उनके साथ होने वाली है यही चीज। साल 2010 के कांस फिल्म समारोह में मिलेनियम फिल्म और इसके अलावा न्यू इमेज के साथ जो है हैन आउट पोस्ट की गई थी। हैन आउट पोस्टर कार्ड के साथ फिल्म का विज्ञापन किया गया इसका शीर्षक अब रेम्बो भी रखे गए हैं के बावजूद रेम्बो ने कहा कि वह बनाए गए पोस्टर में शामिल नहीं थे और स्टूडियो ने उन्हें बताया था कि अगर वह फिल्म नहीं बनाते हैं तो इसे पूरा करने के लिए किसी और को ढूंढेंगे। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि फ्रेंचाइजी समाप्त हो जाए और उन्होंने इसी विचार के साथ सहज होने की बात की है। जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रेम्बो फिल्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं, रेम्बो लास्ट ब्लड फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी डब में देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। साल 2011 में सीन हुडू को रेम्बो लास्ट और इसके अलावा स्टैंड नामक एक नई स्क्रिप्ट लिखने के लिए काम पर रखा गया था जिसे उन्होंने पहले रक्त मूवी के छोटे शहर के थ्रिलर के अनुरूप अधिक के रूप में वर्णित किया था। साल 2012 में हुड ने खुलासा किया था कि स्टालोन द्वारा द इस फिल्म के अलावा और एक से पेंडेबल 2 को समाप्त करने के लिए रेम्बो वी को रोक दिया गया था।
फूड ने अपनी अनिश्चितता का भी खुलासा किया था कि क्या फिल्म जो है और इसके अलावा अनफॉरगिवन या फिर जो है पोशिंग ऑफ द टॉर्च के समान होगी। जहां पे अगस्त 2013 में ये घोषणा की गई थी कि एंटरटेनमेंट वन और इसके अलावा न्यू इमेज के साथ जो स्टलोन के साथ एक रेमबो टीवी श्रृंखला का विकास करेंगे और निर्माण करेंगे। जून 2014 में जर्मन फिल्म कंपनी और इसके अलावा स्प्लेंडिंग के साथ फिल्म ने पुष्टि की है कि स्टलोन ने रेमबो बी के लिए पटकथा लिखना शुरू कर दिया था, जिसे उन्होंने ओल्ड मैन के लिए नो कंट्री के साथ जो है नो कंट्री के समान बताया। सितंबर 2014 में फिल्म को आधिकारिक तौर पर रेमबो लास्ट ब्लड शीर्षक दिया गया था, जिसमें स्टलोन भी निर्देशक के रूप में काम कर रहे थे। साल 2015 में स्टलोन और रेमबो के निर्माता लेखक डेविड मोरोल ने रेमबो बी के लिए कहानी को फिर से लिखा। स्टलोन ने निर्माताओं को ये विचार दिया, लेकिन वह इसके बजाय मानव तस्करी की कहानी को आगे बढ़ाना चाहते थे, जिससे स्टलोन और उसके अलावा मेरेल की स्क्रिप्ट को छोड़ दिया गया। अब अक्टूबर 2015 में स्टलोन ने एक जो है पिग रवल और इसके अलावा प्रोजेक्ट में रुचि व्यक्त करते हुए कहा, ये उनके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा यानी कि जानना दिलचस्प है कि लोग कैसे बन गए हैं, क्या है यहाँ पे यानी कि, और इसके अलावा जो है वियतनाम में होगा और इसके अलावा आधा जो है नुकसान भी होगा। और आपको बता दें, दर्शादी हुई निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती होगी और एक युवा अभिनेता के लिए, और ये भी उनके साथ जो है बिंड बना रही होगी। रिम्बी युवा रेम्बो को निर्देशित जो है करना है कि इसे 20 साल से अधिक समय तक जो है निभाए गए। जनवरी 2016 तक स्टलोन ने कहा था कि रेमबो बी के साथ उत्पादन में प्रवेश नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रेमबो लास्ट फिल्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं, रेमबो लास्ट ब्लड फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आई होप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, आपको पता है इस वीडियो में हम रेमबो और द लास्ट ब्लड फिल्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसी के साथ बता दें दोस्तों, साल 2015 में स्टलोन और रेमबो के निर्माता लेखक डेविड मोरोल ने रेमबो की वी के लिए कहानी को फिर से लिखा। स्टलोन ने निर्माताओं को ये विचार दिया, लेकिन वह इसके बजाय मानव तस्करी की कहानी को आगे बढ़ाना चाहते थे, इससे स्टलोन और उसके अलावा मोरोल की स्क्रिप्ट को छोड़ दिया गया। अक्टूबर 2015 में स्टलोन ने एक जो है प्रीक्वल प्रोजेक्ट में रुचि व्यक्त करते हुए कहा, ये जानना दिलचस्प है कि लोग कैसे बन गए हैं, क्या है इसके अलावा वियतनाम में होने का आघात जो है नुकसान, और इसके अलावा दर्शाती हुई निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती होगी एक युवा अभिनेता के लिए, और ये जो है उनके अलावा बिन बना रही होगी कि रेमबो युवा रेमबो को निर्देशित करता है कि वो इसे 20 साल से अधिक जो है समय तक निभाएंगे। जनवरी 2016 तक स्टलोन ने कहा कि रेमबो बी उत्पादन में प्रवेश नहीं करेगा। मई 2018 में फिल्म को शुरू में रेमबो बी के रूप में विकास के लिए फिर से घोषित किया गया था। इसे सितंबर के लिए निर्धारित किए गए प्रमुख फोटोग्राफी के साथ अपने परिवार के सदस्यों में से एक के साथ जो है अपहरण के बाद, और इसके अलावा मैक्सिन के साथ ड्रॉ कॉटन का इसके अलावा मुकाबला किए गए थे। मुकाबला करने के लिए रेमबो पर ध्यान केंद्रित करने की साजिश की पुष्टि की गई थी। स्टलोन ने फिल्म की रिलीज की तारीख की घोषणा की, इससे वह मैथ्यू के साथ जो है मिरू लर्निंग के साथ एक हॉल के साथ जो है लेखन भी करेंगे। उस समय उन्होंने निर्देशक के रूप में अतिरिक्त जो है रूप से काम करने में अनिश्चितता व्यक्त की थी। जहां अगस्त 2018 में एडियन के साथ जो है गुर्नर ब्रॉक को निर्देशक के लिए घोषणा किया गया था। सितंबर 2018 में एड्रियाना और इसके अलावा जो है बर्राजा को कलाकारों में जोड़ा गया। अक्टूबर 2018 में पाज वेगा के साथ जो है वेटेक के साथ, और इसके अलावा मोनरियल में भी सर्जियो के साथ पेरिस, और इसके अलावा मेनचेटा के साथ ऑस्कर जोड़ा गया था, और इसके अलावा जोकिन के साथ जो है कोशियो को कास्ट किया गया। 2019 में लुई के साथ जो है मेडिलो सिला के साथ सौ, और इसके अलावा जो है दिमित्री के साथ वेगास, और जिमी के साथ जिमी किम उर्फ यानी कि ये ना हान होने की भी किसी के साथ पूर्व घोषणा के कास्ट किए जाने का खुलासा किया गया था इस फिल्म के अंदर। अब दोस्तों, इस मूवी की प्रिंसिपल फोटोग्राफी 2 अक्टूबर 2018 को बुल्गारिया में शुरू हुई, और ये पहले 1 सितंबर 2018 में और उससे पहले 27 अक्टूबर 2014 को इसी के साथ फिल्म को शूट किया गया था लुइसियाना के, और इसके अलावा सेरो पोर्ट में शुरू होने वाला था। एक साथ बता दें फ्रेंड्स, बैराज ने अपने देशों को टेनरीफ कैनरी द्वीप समूह में फिल्माया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी 4 दिसंबर 2018 को पूरी हुई। अतिरिक्त फोटोग्राफी मई 2019 के अंत में पूरी कर ली।
गई थी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों मई 2018 में मिलेनियम फिल्म ने रुचि और बिक्री उत्पादन के साथ करने के लिए परियोजना को कांस में लाया था। कांस में लाया जहाँ पे स्टालोन ने पुष्टि किया है कि जैसे ही फिल्म रिलीज होने वाली है वह फिल्म के सेट से तस्वीरों और वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर साझा करेंगे। फरवरी 2019 में स्टालोन ने अपने इंस्टाग्राम पर रेम्बो के दत्तक परिवार के साथ युद्ध के इतिहास के साथ और चरित्र जो है ग्रीव बेला के अपने पिता को खोजने के लिए और मेक्सिको जाने के इरादे की छवियों का खुलासा किया। मार्च 2019 में स्टालोन ने अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से खून से लथपथ रेम्बो की एक छवि का खुलासा किया और अपने हस्ताक्षर जो है धनुष को निशाना बनाया था। मई 2019 में ये पता चला था कि स्टालोन 24 मई 2019 को पैलिस डेज के साथ जो फेस्टिवल एट डेज के साथ कांग्रेस में फिल्म की एक विशेष जो है फर्स्ट लुक स्क्रीन के साथ जो है कॉन्स में विशेष चित्र प्रस्तुत करेंगे। पहले ट्रेलर 24 मई 2019 को कांस में प्रदर्शित किया गया था और टीजर ट्रेलर 30 मई 2019 को जारी किया गया था और इसकी तुलना आपको बता दें लोगान और उसके अलावा जो है अनफॉरगिवेंस की गई थी, जहां पे टीजर के लिए ओल्ड टाउन रोड के गाने के लिए रीमिक्स और इसके अलावा संस्करण का इस्तेमाल किया गया था। अगस्त 2019 को स्टालोन ने अपने इंस्टाग्राम पर नाटकीय रिलीज पोस्टर का खुलासा किया। 20 अगस्त 2019 को स्टालोन ने अपने इंस्टाग्राम पर दूसरा ट्रेलर जारी किया, जहां 4 सितंबर 2019 को और इसके अलावा अलामो के साथ जो है ड्राफ्ट हाउस सिनेमा ने घोषणा किया था कि वह रेम्बो लास्ट ब्लड की रिलीज के उपलक्ष्य में सभी जो है 5 रेम्बो फिल्मों की और इसके अलावा जो है मैराथन की मेज़बान करेंगे। जहाँ पे डेडलाइन और इसके अलावा हॉलीवुड ने बताया था कि PNA के साथ जो है लगभग जो है 30 मिलियन से अधिक होगी। रेम्बो लास्ट ब्लड के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में 20 सितंबर 2019 को नाटकीय रूप से जारी किया गया था। दादी ने चीनी के साथ वितरण अधिकार खरीदे और 8 जो है अंकों के सौ और इसके अलावा वित्त पोषण सौदे के लिए सहमत हुए थे। 30 जुलाई 2019 को MPAA ने फिल्म को आर रेटिंग दी थी, जहां पे ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म जो है क्लासिफिकेशन ने फिल्म को 18 पर और इसके अलावा वर्गीकृत किया था। फिल्म को जापान में 26 जून 2020 को गागा के साथ जो कॉरपोरेशन द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। आपको बता दें लाइसेंस गेट ने रेम्बो को 2 अलग अलग जो है नाट्य कोड जारी करने के लिए लास्ट ब्लड देश के अनुसार जो है अलग अलग संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और इसके अलावा जो है कनाडा में फिल्म 89 मिनट चलती है, जहां पे ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है मेक्सिको के साथ और इसके अलावा स्वीडन जो है ब्राजील और इसके अलावा जो है फिनलैंड के साथ जर्मनी और जापान में ये मूवी 101 मिनट तक जो है यानी कि चलते हैं। जहां पे बाद वाले संस्करणों में कई जो हटाए गए दृश्य और एक जो है बैक लिपल के साथ उद्घाटन है जो कि लगभग 100 मिनट तक चलती है। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं रेम्बो लास्ट ब्लड के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों रिलीज होने के बाद 3 दिसंबर 2019 को डिजिटल पर रिलीज किया गया था और आपको बता दें लॉयंस गेट होम एंटरटेनमेंट द्वारा 17 दिसंबर 2019 को अल्ट्रा HD ब्लूरे के साथ ब्लूरे और इसके अलावा DVD पर रिलीज किया गया था। यहाँ पे बेस्ट बाय ने 4K UHD रिलीज के लिए एक रिटेल के साथ स्टील बुक जारी की थी। फिल्म के नई हफ्तों के आपको बता दें फिल्म ने कई हफ्तों तक जो है रेड बॉक्स के और इसके अलावा डिस्क जो है रिटर्न के साथ और ऑन जो है डिमांड चार्ट में सेट जो है स्थान हासिल किया था। रेम्बो लास्ट के साथ जो है ब्लड और इसके अलावा एक्सटेंडेड के साथ जो है कॉर्ड शीर्षक वाला अंतर्राष्ट्रीय संस्करण मई 2020 में अमेजन प्राइम वीडियो पर जारी किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में DVD ने 10 मिलियन कमाए और ब्लूरे ने काफ़ी अच्छे कमाई किए थे, 16.6 मिलियन कमाए थे। कुल मिलाकर घरेलू वीडियो बिक्री ने 26.6 मिलियन से अधिक की कमाई किया था। रेम्बो लास्ट ब्लड ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 44.8 मिलियन की कमाई की और अन्य क्षेत्रों में 46.7 मिलियन दुनिया भर में कमाई किए थे। कुल मिला के 91.5 मिलियन के लिए और इसके अलावा 50 मिलियन के उत्पादन के बजट के मुकाबले फिल्म ने अच्छी कमाई कर लिया था। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में फिल्म को एक जो एक्स्ट्रा और इसके अलावा डाउटन एबे के साथ रिलीज किया गया था। इसके शुरुआती हफ्ता में 3,618 थिएटरों से फिल्म ने 23 से लेकर $25 मिलियन की कमाई का अनुमान लगाया गया था।
फिल्म ने शुक्रवार को 7.17 मिलियन डॉलर कमाई किए थे, जिसमें गुरुवार रात के और इसके अलावा पूर्वावलोकन के साथ जो है 1.3 मिलियन शामिल थे। इसने 19 मिलियन की शुरुआत की, तीसरे स्थान पर रही और श्रृंखला के दूसरे सर्वश्रेष्ठ उत्पादन को चिन्हित किया। फिल्म ने अपने दूसरे हफ्ता में 8.6 मिलियन डॉलर और तीसरे हफ्ता में 3.6 मिलियन डॉलर कमाए, जो क्रमशः छठे और आठवें स्थान पर रहा था। आपको बता दें, रोटन टमाटोज पर फिल्म को 173 समीक्षकों के आधार पर 27 की स्वीकृति रेटिंग दी गई है। इसकी औसत रेटिंग जो है 4.10 रखे गए थे। इसके अलावा आपको बता दें, फिल्म की साइट की आलोचनात्मक जो है सहमित की गए थे। इससे पहले कि सीक्वेंस की तरह रेमबो लास्ट ब्लड अपने मुख्य चरित्र की एक बार की मरमीज जो है कहानी की कीमत पर खूनी हिंसा में जो है लिफ्ट होने के साथ जो है सामग्री लाती है, जहां पे मेटा क्रिटिक के साथ जो एक भारित और इसके अलावा एक भारित औसत का उपयोग करते हैं। इसके अलावा ये काम सौंपा गया था कि फिल्म को 31 आलोचकों के आधार पर 100 में से 26 का स्कोर मिला, जो आमतौर पर जो है प्रतिकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। जहां पे आपको बता दें, सिनेमा स्कोर धारा और इसके अलावा सर्वेक्षण किए गए जो है दर्शकों ने फिल्म को A+ से F के साथ जो है पैमाने पर B का औसत जो है ग्रेड था, जबकि जो है पोस्ट स्टेक के साथ धारा किए गए सर्वेक्षण किए गए लोगों ने इसे 5 में से औसत की रेटिंग दी है, 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दिया है। जी हाँ दोस्तों, फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रेमबो लास्ट ब्लड फिल्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं और मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को बता रहे हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। रेमबो के चरित्र के चित्रण को जाँच के दायरे में रखा गया था। साथ ही साथ आपको बता दें, लॉस एंजेलिस के साथ टाइम्स के लिए लेखन और इसके अलावा केनेथ के साथ जो है टुराने में फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए गए और रेमबो की कहानी की आश्चर्यजनक रूप से सोचने वाले जो है परीक्षा की गई थी, जहाँ पे प्रशंसा की गई थी। निश्चित रूप से रेमबो अस्वस्थ होते हैं जहाँ पे जब जो है बुरे लोगों को बताती है और इसके अलावा बुरे लोग जो है मैच जा रहे हो, जहाँ पे आपको जो है वास्तव में बुरी तरह चोट जो है पहुँच सकते हैं। आपको बता दें, लेकिन एक जो है प्रकार की और इसके अलावा नाजुकता भी रखी गई है, जो कि हमें लोगों द्वारा उस पर चोट पहुंचाने के बारे में चिंतित करती है। आपको बता दें, पीटर डेब्रूज के साथ जो है वैरायटी के लिए एक नकारात्मक समीक्षा लिखी गई थी और ये चरित्र जो है विरोध भाषा की एक जो है गड़बड़ी की गए हैं, इसका जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। और एक और जो है स्थायी क्षति जो कि सैम्स के साथ सेवा किसी के साथ जो आत्मा को कर सकती है। साथ ही साथ ये जो सुझाव दे रही है कि आदर्श सैनिक कैसे दिखते हैं और इसके अलावा IGN के लिए 100 में से 4.5 स्टार की रेटिंग दी गई थी। बिटनी के साथ जो है सिबॉल ने शोक व्यक्त किया कि एक चरित्र को जो मूल रूप से खड़ा होने के लिए था और एक सैनिक को जो युद्ध से होने वाली क्षति के प्रतीक के साथ काम में आते हैं, अब एक जो है अकुशल के साथ मानव और मशीन गन के रूप में सबसे अच्छी तरह से याद किए जाते हैं, लेकिन स्टलोन को प्रबंध के रूप में पार्क के साथ जो है वरन के रूप में और इसके अलावा जो भावपूर्ण प्रदर्शन देने का श्रेय दिए जाते हैं। एस्टलोन और मैथ्यू के साथ जो शुरू लनी की पटकथा को प्रतिकूल प्रतिक्रिया मिली, जहाँ पे द हॉलीवुड रिपोर्टर के लिए एक जो है नकारात्मक समीक्षा में फ्रैंक के साथ स्केच ने कहा कि ये पूरी तरह से फेंका हुआ है। और आपको बता दें, सामान्य लगता है एक रेमबो के साथ टेलीविजन श्रृंखला के लिए एक जो है उचित और इसके अलावा प्रेशन की तुलना में पाया गया था जैसा कि दिखता है, आपको बता दें, लेकिन इस टुलोन को एक जो है फ्रेंचाइजी को बचाए रखने का श्रेय दिया जाता है। इसके अलावा शिकागो के साथ जो है ट्रिब्यून की केटी ब्लॉस के साथ जिन्होंने फिल्म को 4 में से 1 स्टार दिया और उन्होंने इस स्क्रिप्ट को बामुश्किल एक स्क्रिप्ट और इसके अलावा लेखन को और इसके अलावा आलसी कहा था, उन्होंने कहा। चलिए दोस्तों, वीडियो के अंत में हम बात कर लेते हैं रेमबो लास्ट फिल्म की कहानी के बारे में। दोस्तों, फिल्म की कहानी क्या है, चलिए अब हम जानते हैं। दोस्तों, फिल्म की कहानी बाद में घटनाओं के 11 साल बाद जो है वियतनाम युद्ध के अनुभवी जॉन रेमबो अपने जो है मृत पिता के घोड़े के खेत में बॉबी के साथ जो एरिजोन में रहते हैं। इसे वह अपने पुराने दोस्त जो है मारिया बेल्टोन के साथ और उनके पोती जो है ग्रेबियन के साथ जो है प्रबंधित करते हैं। लेकिन आपको बता दें, ग्रेबियला रेमबो को बताती है कि उसकी एक दोस्त है जहाँ पे गिजेल ने और इसके अलावा ग्रेबियला के जैविक पिता है जहाँ पे मैनुअल को और इसके अलावा जो है मेक्सिको में पाया गया है। रेमबो और मारिया दोनों उसे जो है मेक्सिको नहीं जाने के लिए कहते हैं, लेकिन आपको बता दें, ग्रेबियला चुपके से वहाँ ड्राइव करके चली जाती है।
वहाँ पे ड्राइव करके पूछती है कि मैं नुअल ने उसे और उसकी माँ को सालों पहले क्यों छोड़ दिया। जिसके अलावा आपको बता दें, गिजेल और इसके अलावा ग्रेबियला को मैं नुअल के अपार्टमेंट में ले जाया जाता है, जहाँ वह उसे ठंडे से कहते हैं कि उसने ग्रेबियल या फिर उसकी माँ की कभी जो है परवाह नहीं की। जिसके बाद जो है गिजेल एक दिन टूटने वाली ग्रेबियला को पास के एक जो है क्लब में ले जाती है, जहाँ पे ग्रेबियल को एक जो है मैक्सिकन के साथ कॉकटेल के और इसके अलावा परवा तको धारा जो है ड्रॉग दिए जाते हैं और उसका अपहरण कर लिया जाता है। इसी बीच जो है मारिया रिम्बो को और इसके अलावा मैक्सिको में जो है ग्रेबियला के लापता होने की सूचना दे देती है। रिम्बो मैक्सिको जाता है और मैनुअल के साथ और इसके अलावा जो है गिजेल दोनों से ग्रेबियला के ठिकाने के बारे में पूछताछ करता है। रिम्बो द्वारा धमकी दिए जाने के बाद गिजेल अनिच्छा से रिम्बो को उस क्लब में ले जाती है जहां ग्रेबियल को आखिरी बार देखा गया था और रिम्बो एक जो है फ्लेको का सम्मान करती है, जिसने जो है आखिरी बार ग्रेबियला के साथ बात की थी। आपको बता दें, रहस्य में महिला कारमेल के साथ जो है डेलगाडो रिम्बो की पूछ करती है, जहाँ पे क्योंकि वह एक जो है फ्लेको उसे जो है ग्रेबियला के स्थान पर ले जाया जाता है। रिम्बो का तुरंत जो है सामना किया जाता है और पीटा जाता है और कार्टेल धारा चिन्हित किया जाता है, जिसका नेतृत्व भाइयों के साथ जो है हयोगो के साथ और आपको बता दें बीचर के साथ जो है मार्टिंग ने किया था। रिम्बो के खेत के स्थान के साथ उसके जो है ड्राइवर का लाइसेंस और आपको बता दें ग्रेबियला की एक तस्वीर लेते हैं, जिसे जो है विक्टर पहचान जाता है। रिम्बो की हरकतों के कारण जो है कार्टेल और इसके अलावा ग्रेबियला के साथ वहां पे दुर्व्यवहार करने की कसम खाता है। आपको बता दें कारमेन रिम्बो को वापस उसके घर ले जाते हैं, जहाँ वह उसकी देखभाल करती है जब तक कि वह 4 दिनों के बाद पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। इसी बीच जो है ग्रेबियला को लगातार आपको बतला दे हीरोइन की खुराक दी जाती है और बार बार जो है बलात्कार करने के लिए बेचा जाता है। इसी बीच कारमेन का ये कहना है कि वह एक स्वतंत्रता पत्रकार है जो कि मार्टिनेज के साथ भाइयों की जांच कर रही है, जिन्होंने उसकी बहन का अपहरण और हत्या कर दी थी। रिम्बो ने बाद में एक जो है वेश्यालय पर छापा मारा, कई लोगों की हत्या कर दी, जब तक कि उसे एक जो है नशीली और इसके अलावा ग्रेबियला नहीं मिली। अपने पी को अपने घर वापस जाते समय रिम्बो जो है ग्रेबियला को 10 साल के लिए आशा देने के लिए धन्यवाद देता है, लेकिन आपको बता दें जबरन इसके अलावा जो है वह डोज से उसकी मृत्यु हो जाती है। क्रोध रिम्बो मारिया को दूर भेज देता है और एक जो है टकराव के लिए खेत में जाल बिछा देता है और बाद में जो है विक्टर को खोजने में कारनामे की मदद जो है करता है। कारमेन की मदद मांगने के लिए मैक्सिको लौट जाता है, जहाँ पे कारमेन शुरू में मना तो कर देता है लेकिन बाद में रिम्बो को बताता है कि ये कुछ भी जो है हल नहीं करेगा, लेकिन उसके दुख और इसके अलावा निराशा के लिए अपील करने के बाद वह अस्वस्थ हो जाता है और उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। रिम्बो ने विक्टर के घर पर छापा मारा, जिसमें कई गार्ड मारे गए और इसके अलावा विक्टर का सिर काट दिया गया। प्रतिशोध में आपको बता दें हयो के साथ हीटमैन के लिए एक समूह को रिम्बो के खेत में ले जाया जाता है, जहां पे आपको बता दें प्रत्येक जो है धांधली वाले जाल का शिकार हो जाता है, जहाँ पे हयुगो को आखिर के लिए बचाते हुए रिम्बो उसे जो है फाड़ देता है और उसका दिल चीर देता है। जहाँ पे इसके बाद एक जो है कमज़ोर रिम्बो अपने पिता के घर के बरामद के साथ जो है अपने घर के जो है बरामदे पर बैठता है, जहाँ पे लड़ाई जारी रखने और अपने जो है प्रियजनों की यादों को जीवित रखने की कसम खाता है। क्रेडिट के दौरान फ्रेंचाइजी की सभी जो है 5 फिल्मों के दृश्यों के फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी को समाप्त कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में हमने रेम्बो लास्ट ब्लड फिल्म को एक्सप्लेन किया है। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल एंड सी यू सून।